हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अभी तक के जितने भी चैप्टर्स, आई थिंक आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आप भी अपना बेस्ट दे रहे होगे तो कंट्रोल में निश्चित रूप से आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को समझाई, जहाँ पे बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती है, तो आई थिंक वो सारी मिसकंसेप्शंस वन बाय वन आप लोगों की दूर हो जानी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको अभी तक के सारे चैप्टर्स, SFG हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया, राउथ हो गया, आपका रूट लोकस हो गया, अगर आपके ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए तो एक बार चैट बॉक्स में यस नो कर दो। और आज तो यार बड़ी खुशी का भी मौका है। खुशी का रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है, बट उससे पहले एक बार आप अपना रिस्पॉन्स दर्ज करा दो चैट सेक्शन में, ठीक है? तो एक्साइटेड हो आप लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ने के लिए? अलग तरीके से पढ़ाएंगे आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, है ना? सवाल कैसे क्रैक करना है उस मेथड से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे जाएंगे। ओके, ठीक है। तो यार आज ईसी इलेक्ट्रिकल की जो टीम है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। ईसी इलेक्ट्रिकल की टीम में अगर आप पहले से देखो तो पहले से ही एक से एक बड़े सूरमा यहां पे प्रेजेंट थे। अजय गुप्ता सर, मतलब इलेक्ट्रिकल की जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जी, वरुण सर जो आपको मशीन पढ़ाने वाले हैं, दीप्तांशु सर जिनसे बहुत सारे बच्चे पराक्रम में नेटवर्क पढ़ रहे होंगे, आई थिंक आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पे मजा आ रहा होगा। बिल्कुल सिस्टमैटिक क्लासेस चल रही होंगी, सिस्टमैटिकली DPP मिल रहा होगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा होगा, टेस्ट सीरीज पूरा प्रॉपर सिस्टमैटिक चल रहा होगा। तो जैसा मैंने पहले बोला था कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, हमारी टीम यहाँ पे, तो एक वर्ड सिस्टमैटिक आप जरूर वहाँ से एसोसिएट कर पा रहे होंगे, ठीक है? उसके अलावा चंदन झा सर हैं जिनके एनर्जी को मैच करना यार लगभग इम्पॉसिबल है। 10 में 10 वो लेके आते हैं एनर्जी की रेटिंग में, हम लोग 4-5 पे कहीं तक जाते हैं। उसके बाद अगर आप टीम में देखोगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टीचर आपके सतीश सर ऑलरेडी हमारी टीम में थे। तो ये सारे टीचर से आप बहुत मिल चुके हो, सारे के सारे टीचर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं आपके सामने, बट तीन लोग ऐसे थे जो किसी वजह से कहीं ना कहीं पर एंगेज थे, वो भी आज हमारे साथ जुड़ गए। SSS, तो SSS भी आज हमारे साथ जुड़ गए। आज पूरा दिन उन लोगों के साथ निकला, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे नेक्स्ट प्लान आप लोगों के बने, कैसे कैसे क्या करना है। अगर आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको बताता हूँ, तीनों के तीनों टीचर्स यहाँ पे आए थे क्योंकि एक सेशन था, सेशन कुछ करवाना था। जैसे ही सेशन खत्म हुआ, तीनों के तीनों टीचर्स टाइपिस्ट के साथ, एक टीचर तो क्लास लेने चले गए, मेरे ख्याल से वीकेंड बैच में अगर आप देख रहे होगे तो वो क्लास ले रहे होंगे, दो टीचर टाइपिस्ट के साथ बैठ के आप लोगों के लिए कॉन्टेंट टाइप करवाने लगे। तो इस लेवल का डेडिकेशन हमारी टीम में है। तो आई थिंक आप तीनों टीचर्स का नाम भी जानते होगे, है ना? तीनों टीचर्स का आप लोग नाम भी जानते होगे। कल संडे को शाम को 7-8 बजे आप लोगों को उनका लॉन्च वीडियो भी दिख जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हो कि वो कितने एक्साइटेड हैं आप लोगों के लिए क्लास लेने के लिए। जैसे ही वो लॉन्च वीडियो आती है, तीनों लोग आपको चाहे गेट वाला के मेन चैनल पे, चाहे इस चैनल पे क्लास लेते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। बाकी पराक्रम श्रेष्ठ में तो यार हर एक टीचर क्लास लेगा, ठीक है? बहुत ही बढ़िया यार, बहुत अच्छा। इसके अलावा एक दो अपडेट और है जो आप में से बहुत सारे लोग मांग रहे थे। एक तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर कि शॉर्ट नोट्स की कोई अपडेट है क्या, शॉर्ट नोट्स कब तक आ जाएगा? तो यार शॉर्ट नोट्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट संडे, अगले संडे तक मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग एक सेशन लेंगे और वहाँ पर सारी ब्रांचेस के सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हम लोग लॉन्च कर देंगे, प्रॉपर टाइप्ड, वेल मेटिकुलसली डिजाइंड। और वो एक बस आपको 2 या 3 PDF के पेजेस पढ़ने हैं, वो पूरा शॉर्ट नोट्स आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो। साथ के साथ मोस्ट प्रॉब्ली बाय द नेक्स्ट संडे आपके लिए ना एक प्रॉपर बेस्ट गेट लेवल का टेस्ट सीरीज आपके लिए आने वाला है, जिसके क्वेश्चंस टीचर्स ने खुद बनाए, उनके वीडियो सॉल्यूशंस टीचर्स ने खुद रिकॉर्ड किए। तो हम तभी आप लोगों से कोई भी बात बोलते हैं जो हमने उसकी पूरी प्लानिंग कर ली हो, उसके पीछे पूरी मेहनत डाल रखी हो। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये दो पॉइंट बहुत क्लियर हो गया कि सर ये दो पॉइंट्स पे हमें थोड़ा आ रहा था दिमाग में कि सर ये कब आएगा। तो आई थिंक आप सभी लोग इस बात पे करने, तो तीन अपडेट थी। एक तो इसी इलेक्ट्रिकल की टीम सुपर डुपर स्ट्रांग हो गई है, आप लोगों के लिए दो और नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, अगले संडे का इंतजार करिए, दोनों प्रोडक्ट आपके हाथ में होंगे, ठीक है? हाँ, मैथ्स आपका मेन चैनल पे मैं लूंगा, जैसे ये कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर्स खत्म होते हैं ना वैसे मैथ्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। एप्टीट्यूड आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो एप्टीट्यूड पहले स्टार्ट हो जाएगा मेन चैनल पे। एप्टीट्यूड का टाइम स्लॉट रात में शायद 11 बजे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, जॉब जाने वाले कॉलेज वालों ने, कि सर हम लोग रात में फ्री रहते हैं तो वो रात में लगा दीजिए, तो उससे रेगुलर क्लासेस में मिस नहीं होंगी। जैसे ही मैं कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे क्रैश कोर्स फिनिश करता हूँ, इमीडिएटली मैं मैथ स्टार्ट करूँगा, क्योंकि दो दो सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ाने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी मेरे एंड से कोई प्रिपरेशन में कमी ना रह जाए, इस वजह से फिर मैं मैथ्स आपको फ्री होकर आराम से पढ़ाऊंगा। टाइम अपने पास बहुत है, आराम से उसको कवर कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, आज मशीन का अभ्यास बैच मेरे ख्याल से आपका वो मंडे से कंटिन्यू होगा। ओके, मंडे से कंटिन्यू होगा। मशीन का जो अभ्यास बैच था वो वीक में 5 डेज ही था। ओके, चलो बहुत बढ़िया।
शुरू किया जाए फिर आज का सेशन। जल्दी बोलो यार एक बार चैट बॉक्स में कि सर हम लोग एक्साइटेड हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पढ़ने के लिए, कुछ यहाँ पे भी टेक्निक्स बताओ, कुछ ट्रिक्स बताओ, सवाल कैसे क्रैक करेंगे, क्या क्या आपके पिटारे में है आज, जल्दी से वो बताना शुरू करिए। ओके परफेक्ट परफेक्ट, चलो शुरू किया जाए फिर आज का सेशन, आ जाइए। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस असल में होता क्या है, अगर आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को आसान भाषा में देखो, सिग्नल सिस्टम की भाषा में देखो, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई सिग्नल ले लिया XT, ठीक है, सिंपल भाषा में आपको मैं समझाता हूँ, और मैंने उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया एक्स ओमेगा, है ना, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये एक सिग्नल था टाइम डोमेन का, जिसको कि मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं किसी टाइम डोमेन के सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए फिर बताइए मुझे कौन सा टूल यूज़ करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म का टूल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया और इसके लिए टूल यूज़ कर लिया फूरियर ट्रांसफॉर्म का। तो अगर इसके लिए मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म का टूल यूज़ किया, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है क्या? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कुछ और नहीं है बल्कि इस एक्स ओमेगा की ओमेगा के रिस्पेक्ट में प्लॉटिंग है, बस यही आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है, समझ गए ना। अगर आप इसी एक्स ओमेगा को ओमेगा के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर दो, तो वही आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हो गया। कई कई बार क्या होता है कि ये जो एक्स ओमेगा होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स होता है, तो एक्स ओमेगा की प्लॉटिंग डायरेक्टली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और इसका फेज अलग से प्लॉट कर देते हैं, समझ गए ना। तो अगर मान लो मैं मॉड ऑफ एक्स ओमेगा वर्सेस ओमेगा प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये मैग्नीट्यूड रिस्पांस हो गया, और अगर मैं एंगल ऑफ एक्स ओमेगा वर्सेस ओमेगा प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये फेज रिस्पांस हो गया। बस यही आपका मैग्नीट्यूड, यही आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है। कंट्रोल सिस्टम के पर्सपेक्टिव में ये डेफिनेशंस थोड़ी थोड़ी चेंज होती हैं, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम के पर्सपेक्टिव में अल्टीमेटली प्लॉट हम यही करते हैं, बट इसको प्लॉट करने के तरीके थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप मॉड ऑफ एक्स ओमेगा वर्सेस ओमेगा की प्लॉटिंग कर दो, तो इसको बोला जाता है एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। क्या बोला जाता है इसको? एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब इसी में आप क्या करो, दोनों साइड का लॉग ले लो। जब आप लॉग लोगे तो ये शायद डीबी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लॉग ओमेगा की एक्सिस हो जाएगी, और थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन लगा दो। तो जब आप थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन लगा देते हो, तो वो भी रहता फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ही है, बस उसी को आप बोडे प्लॉट या फिर असिम्प्टोटिक प्लॉट या फिर अप्रॉक्सीमेट प्लॉट बोल देते हो। तो जब आप मॉड ऑफ एक्स ओमेगा वर्सेस ओमेगा बनाते हो, वो एग्जैक्ट आपका प्लॉट हो गया, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड प्लॉट आप उसको बोल सकते हो, या एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बोल सकते हो। अब इसी को मैं डीबी में कन्वर्ट कर दूं, इसको लॉग लेके लॉग एक्सिस में कन्वर्ट कर दूं, और उसके बाद थोड़े बहुत अप्रॉक्सीमेशंस लगा दूं, लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन, हायर फ्रीक्वेंसी रीजन, मिड फ्रीक्वेंसी रीजन, तो वो आपका एक अप्रॉक्सीमेट प्लॉट बन गया, उसी को आप बोडे प्लॉट बोल देते हो। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि मोटा मोटी हम लोग कैसे भी करके एक टाइम डोमेन सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करने वाले हैं, और उसी के रिगार्डिंग ये पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का चैप्टर आने वाला है। तो बताइए कुछ कुछ समझ में आया लेमैन लेवल पे कि यार क्या करने वाले हैं? बाकी जब एग्जाम में सवाल आएगा तो इतना थॉट नहीं देते कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे हो गया, यही हमें फील होना चाहिए, दैट इज अनदर इशू। यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही हमको एनहांस करनी, जैसे अभी तक कंट्रोल सिस्टम में हम लोग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। बोलो भाई, बहुत ही बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। अब इसमें ना एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आपको कौन सा चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब जो आपको बहुत मज़ा आता है, जिसके क्वेश्चंस करने में, पर्सनली पढ़ाने में तो मुझे सब मज़ा आता है, बट मुझे सवाल सबसे ज़्यादा मज़ा आता है लगाने में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के क्वेश्चंस को, क्योंकि ना वहाँ पे फॉर्मूलेज नहीं लगते, क्योंकि वहाँ पे आपके ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई आपको बहुत ग्राफिकल टूल्स की नीड नहीं होती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा एप्टीट्यूड और कुछ ट्रिक्स, इतनी चीज़ अगर आपके क्लियर है, आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के क्वेश्चंस छोड़ दोगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहली चीज़ हम जो आज की क्लास में सीखने वाले हैं, मान लो कि ये हमारा एक LTI सिस्टम है। अगर ये एक LTI सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग एच ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हो ना। अरे सिस्टम का एच ऑफ टी दे रखा है, आप उसको एच ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो हमने इसको एच ओमेगा से रिप्रेजेंट किया। अब ये बोला जा रहा है कि सपोज अगर मैं इसमें इनपुट डालता ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई, तो आउटपुट हमारा क्या आता? ये हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स ऑफ टी, और हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है भाई कि वाई ऑफ टी निकाल के बताओ कि ये वाई ऑफ टी आप कैसे लिखोगे। इसमें मैं चार केसेस आप लोगों को करवाना चाहता हूँ, ठीक है, सो दैट इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन है तो आप उसको आसानी से क्रैक कर पाओ। हालांकि ये आप सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ते हो, जब आइगन फंक्शन आइगन वैल्यूज़ की वहाँ पे चर्चा होती है, ठीक है। आइगन फंक्शन आइगन वैल्यूज जब आप पढ़ते हो, वहाँ पे भी इसकी चर्चा होती है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो आपने यहाँ पे इनपुट डाला हुआ है, इस इनपुट में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है, कितने की? ओमेगा नॉट की। तो सबसे पहला काम आप क्या किया करो, इस ओमेगा नॉट को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया करो। जैसे आप इसको यहाँ पे पुट करोगे, तो ये हो जाएगा एच ओमेगा नॉट,
जाहिर सी बात है कि आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो और उसके साथ साथ आप इसका फेज़ कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो उस केस में जो आपका आउटपुट आ जाएगा उसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, उसकी वैल्यू आप लिख सकते थे ए इंटू मॉड ऑफ, आप लोगों को दिख रहा है ना, एच ओमेगा नॉट साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाई, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे ये वाला फेज़ अंदर एडजस्ट कर सकते थे। याद रखना ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ना, ये आप तभी लिख सकते हो जब आपका ये एच ओमेगा का जो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है यानी कि एच ऑफ टी वो रियल होता है। तो वो होता ही है क्वेश्चन में, ये हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो रहता ही रहता है। बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक्सप्रेशन आप लिखते हो एक्स ऑफ टी आपने लगाया ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, इसका जो आउटपुट पे एक्सप्रेशन मिला ए इंटू मॉड ऑफ एच ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव एंगल ऑफ एच ओमेगा नॉट, ये तभी आप लिख सकते हो जब आपका एच ऑफ टी रियल। अगर एच ऑफ टी रियल नहीं है ना फिर आप ये आउटपुट वाला एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। कभी कभार ये जो एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो, कभी कभार क्या, हमेशा ही ये जो वैल्यू बोली जाती है ना इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। याद रखना जब भी आप नेटवर्क पढ़ोगे, नेटवर्क में अगर आपने ऐसा इनपुट लगाया तो इसके साथ एक ट्रांजिएंट वाला पार्ट भी आता है, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में जो भी आउटपुट हम लोग डिस्कस करते हैं वो स्टडी स्टेट वाला ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, जल्दी बोलो भाई, ये पॉइंट समझ आया सभी लोगों को, बोलो। हाँ, इसी टाइप के बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ गेट 2022 में नहीं, पता नहीं कितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है, ओके। इनफैक्ट अगर आप 2021 इंस्ट्रूमेंटेशन भी देखोगे ना उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एक नंबर का इसी टाइप का, तो बड़ा पॉपुलर मॉडल होता है, ठीक है, पूछ लेता है एक आधा नंबर में ये क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है बात सभी लोगों को, बोलो भाई जल्दी। यार चैट दिख नहीं रहा, क्या कर रहे हो तुम लोग, यस ठीक है ना। चलो अगले केस पे चलें, आइए अगले केस पे चलते हैं, केस टू, ठीक है। अरे क्या हो रहा है आज, कुछ क्लास तुम लोगों को करने का मन नहीं है क्या आज, वहीं से बैठे बैठे काला जादू कर रहे हो, कभी पेन का कलर चेंज हो जा रहा है, कभी कोई टैब चेंज हो जा रही है, ऐसा मत करो भाई, ठीक है। और ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर है अगर तुम्हारे अंदर तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक है। तो कोई सुपर नेचुरल पावर वाला है तो जल्दी से मुझे कांटेक्ट करो। ये लो फाइव, ये हमने सिस्टम को रिप्रेजेंट कर दिया एच ओमेगा से, ठीक है। देखिए सिस्टम की ये फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा नॉट, उठा के यहाँ पे डाल दो, ये हो गया एच ओमेगा नॉट, करेक्ट। आप इसका मैग्नीट्यूड अलग निकाल दो और इसका फेज़ अलग नहीं, ये अलग से ही शुरुआत में ही निकाल लिया करो, ठीक है। स्टार्टिंग में आदत डालो कि भाई ये कैलकुलेट करके रख लेंगे, बाद में इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, ओके। क्या मोह माया में मुझको फंसा दिया यार, देखो मोह जो है वो तुम लोगों से है और जो माया है वो मुझे भी नहीं पता कौन है। हम माया को तो यार तुम जानते होगे, मैं किसी माया को नहीं जानता, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि मैं किसी माया को जानता हूँ तो रात में भाई मुझे घर भी जाना है, ठीक है। तो क्या चाहते हो कि मैं दरवाजे के बाहर सारी रात बिताऊँ या घर में एंट्री मिले, घर में मिले ना। तो माया को आप समझो, मोह मैं आप लोगों से कर लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो, तो आप बोलोगे कि सर ये मॉडल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे इसका इन्वर्स एच ऑफ टी ले लिया वो रियल होना चाहिए, स्टेडी स्टेट वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि यहाँ पे चाहे साइन वाला सिग्नल हो चाहे कॉस वाला सिग्नल हो, चाहे साइन वाला सिग्नल हो चाहे कॉस वाला सिग्नल हो, आउटपुट सेम आएगा। साइनोसॉइडल होना चाहिए, सिंगल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, सही बात है। चलो परफेक्ट, ठीक है, ये बात क्लियर हुई यार, जल्दी बोलते जाओ फटाफट, ओके डन। अब देखो होता क्या दिक्कत मैं आपको बताता हूँ, आप ये एक्सप्रेशन ओमेगा में पढ़ के जाते हो, एग्जामिनर क्या करता है, गेट वाला जो होता है वो खोजता है कि भाई गेट की कोचिंग कहाँ कहाँ चल रही, सारे नोट्स मंगवा लेता है वो प्रोफेसर जो होता है, सारे नोट्स में देखता है खोल खोल के, तो देखता है अच्छा इस टीचर ने ओमेगा वाला पढ़ाया, इसने ओमेगा वाला पढ़ाया, मैं क्या करता हूँ सवाल एफ में दे देता हूँ। तो अब मैं आपको एफ वाला भी समझा देता हूँ, मगर आईटी के प्रोफेसर को ये मत बताना कि मैं भी गेट की कोचिंग चला रहा हूँ, अदरवाइज वो फिर एफ की जगह पे कुछ और देने की कोशिश करेगा। तो ये मेरे और आपके बीच की बात है, समझ गए ना। तो ये एफ वाला टॉप सीक्रेट है, ये किसी को बताना मत भाई, ताकि आपको एग्जाम में ये एफ वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ये लो एफ वाला सवाल, ये देखिए एफ वाले में क्या करेगा ना एग्जामिनर, इसको एच एफ से रिप्रेजेंट कर देगा और जो आपको यहाँ पे इनपुट देगा ना वो इनपुट कुछ इस फॉर्म में देने की कोशिश करेगा। तो सपोज हमने इसको ऐसा लिख दिया टू पाई एफ नॉट टी प्लस फाइव, इसको मैं एक्स ऑफ टी का नाम दे रहा हूँ, ये साइड वाला दिख रहा ना आप लोगों को,
हाँ एक्स ऑफ टी आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है यार, आप लोग यहाँ से ना एफ नॉट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। तो ये मिल गया आपको एच एफ नॉट। अब आपको क्या करना है, अब जैसे आप ओमेगा में करते थे एग्जैक्ट सेम चीज़ आप यहाँ पे करने का ट्राई करिए। ये लीजिए ये एच एफ नॉट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है भाई। ये चेक करो जल्दी, आप निकाल लोगे अगर एच एफ नॉट वाला दिया होगा, परफेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ कि वाई टी क्या हो जाएगा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आप ओमेगा नॉट वाले कंसेप्ट को लगाते थे ना, वैसे ही आप ये वाले कंसेप्ट को लगा लीजिए, ठीक है। चलो चेक करो जल्दी। आज मैं बहुत खुश हूँ, वो रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि यार टीम जब स्ट्रांग होती है तो टीम को खुशी तो होती है ना। तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हूँ, तो आज हो सकता है कि क्लास जल्दी छूट जाए, है ना। हो सकता है अगर आज मैं ज़्यादा खुश हूँ तो क्लास थोड़ा जल्दी छूट जाए, क्योंकि बोर्ड प्लॉट और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में जितनी चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से बहुत इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। तो यार ये वाले केसेस याद रखना, एफ नॉट की भी प्रैक्टिस करके जाना। अगेन डिस्क्लेमर यहाँ पे भी यही है कि जब आप एच ऑफ टी एच ऑफ एफ का एच ऑफ टी निकालोगे इट शुड बी रियल इन नेचर, ठीक है। चलो एक लास्ट केस आपको और बता देता हूँ, वो आपको पता ही चल गया कि केस थ्री आपका कौन सा आने वाला है, ठीक है। चलो केस फोर पे आ जाओ, केस फोर। अब केस फोर यार आप लोग खुद से लिख लो, इसके बाद आपको एक थोड़ा बेसिक लेवल का मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं आगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाले चैप्टर पे, ठीक है। ये लीजिए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एच ऑफ एफ से। ये आपका यहाँ पे इनपुट हो गया एक्स ऑफ टी, ये आपका हो गया ए कॉस टू पाई एफ नॉट टी प्लस फाई, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से जो वाई टी की वैल्यू आ जाएगी ये आप अगेन भाई लिख सकते हो, ठीक है। तो चार बार प्रैक्टिस करते करते तो यार ये वैसे ही रट जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात आनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया टू पाई एफ नॉट टी प्लस फाई प्लस एंगल ऑफ एच एफ नॉट, ये देखिए ये है आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आउटपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू। जब भी आप किसी भी एलटीआई सिस्टम में साइनसॉइडल इनपुट डालते हो उस केस में आप आउटपुट डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। एक सवाल करोगे इसके बेसिस पे, एक क्वेश्चन करें, आइए एक क्वेश्चन करते हैं, ये लीजिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सही सही आंसर बस मुझे कैलकुलेट करके बता देना, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये लीजिए, ये हो गया आपका एक एलटीआई सिस्टम, ओके। अब इस एलटीआई सिस्टम का एच ऑफ टी आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो इनपुट आपका है टू साइन टू पाई टी प्लस 45 डिग्री, ये आपको मेंशन किया गया क्वेश्चन में। एच ऑफ टी आप लोगों को मेंशन किया गया है, इट इज़ e टू द पावर माइनस टी यू टी, ये दिया गया। आपसे पूछा गया है कि आउटपुट की स्टडी स्टेट पे क्या वैल्यू आ जाएगी, वो कैलकुलेट करके बताइए। कर लेंगे इसको, चलो देखो क्या करना है इसमें। तो आप बोलोगे सर अभी तक आपने जितने केसेस कराए उसमें तो यहाँ पे एच ओमेगा या एच एफ होता था, इस क्वेश्चन में तो उसने एच टी दे दिया, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है कि इस एच टी से आप एच ओमेगा की कैलकुलेशन कर लो। आप सभी को पता होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म में कि अगर ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी का आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हो, ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये आपका आ जाता है 1 अपॉन a प्लस जी ओमेगा, तभी आ जाता है आपका 1 अपॉन a प्लस जी ओमेगा, परफेक्ट। तो e टू द पावर माइनस ए टी यू टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है वो आ जाता है 1 अपॉन a प्लस जी ओमेगा। सिमिलर तरीके से अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉरी a की जगह पे क्या दे रखा है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा, यही तो बात है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप मुझे बताइए ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए क्या ओमेगा की वैल्यू आप सभी लोगों को 2π यहाँ पे दिख रही, आई थिंक ये सभी को दिख रही। अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हमने 2π ले ली तो आप मुझे बता सकते हो एच ओमेगा नॉट, यानी कि इसको हम लोग ओमेगा नॉट बोल रहे हैं ना, तो एच ओमेगा नॉट यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस j 2π, यही हो जाएगा, ठीक है। आप इसका मैग्नीट्यूड मुझे बता सकते हो कितना हो जाएगा, जो आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये आपको मिलेगा अंडर रूट 4π² + 1। बट अगर आप इसका एंगल कैलकुलेट करोगे एच ओमेगा नॉट तो क्या ये आपको -tan inverse 2π दिख जाएगा, चेक करके बताइए जो भी एंगल आ रहा है, ठीक है। ये एंगल हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओके। चलो परफेक्ट, क्या ये दोनों चीजें आप सभी लोगों को क्लियर है एवरीवन, ओके।
चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो अब यहाँ से अगर वाई टी की वैल्यू लिखी जाए तो आई थिंक आप सभी लोगों में से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये वैल्यू हो जाएगी 2, बाहर लिखना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको कितना दिख रहा है? अंडर रूट 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर। आप इसको अंदर क्या लिखोगे? उधर क्या है? साइन। तो यहाँ पर भी साइन लिखना, कॉस मत लिख देना। ये हो गया साइन 2 पाई टी प्लस 45 डिग्री प्लस एडिशनल जो फेज आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है ना, उस फेज को आप यहाँ पर लिख लीजिए टेन इनवर्स 2 पाई। ये आपका आंसर हो गया, चेक करो। आ रहा है सभी लोगों का यही आंसर? हाना हाना में जवाब दो यार जल्दी। ठीक है, तो एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन कैन मैंने करवा दिया। बाकी पीवाईक्यूज में इस पे ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो आप जाके ट्राई करना। इजी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। ओके, परफेक्ट, चलो बहुत अच्छा, ये आपका क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे। ये सिंपल था, तो जस्ट मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया। सिग्नल्स में भी आप सेम ही टॉपिक पढ़ते हो, बाकी इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन मैंने करा दिया, बाकी सारे क्वेश्चंस आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए देखिए, अब हम करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम देता हूँ, अब इसको ना बहुत फोकस से समझ लेना है ना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है और इसमें ना बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं। तो अगर आप 10 मिनट बस ध्यान से मेरी बात सुन लोगे ना, तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। 5 क्वेश्चन मैंने खुद आज की क्लास में लिए हुए हैं, 5ों क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि बिना मेरे कोई हिंट दिए, बिना मुझे कुछ बोले, उन 5 के 5ों क्वेश्चन का आप मुझे आंसर निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो उसके लिए ये सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे किन किन चीज़ों की चर्चा करना चाहता हूँ। ओके, ये लीजिए, मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा, ध्यान दीजिए सभी लोग। तो सपोज मैंने क्या किया कि ये जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने बनाया, यहाँ पे मैं इनपुट लगा देता हूँ RS, यहाँ पे मैंने गेन लगा दिया K, यहाँ पे मैं बीच में क्या कर देता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको प्लस माइनस नेगेटिव फीडबैक मैंने दे दिया। स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर था तो इसके बारे में आपको पता ही है, ये हो जाएगा S+2ζωn और ये आपका हो जाएगा CS। अब आप यार खुद से कॉमन सेंस से सोच समझ के बताइए, कॉमन सेंस से मुझे सोच के बताइए, ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, यानी कि क्या आपको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा? बिल्कुल, आप बोलोगे सर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो HS, S की जगह पे जे ओमेगा डाल दो, तो वहाँ से उसका क्या मिल जाएगा? फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, है ना। जनरली होता क्या है, जनरली क्या होता है कि अगर आपने किसी भी सिग्नल का लाप्लास कैलकुलेट कर लिया, तो उस लाप्लास से आप फूरियर तक जा सकते हो बाई पुटिंग S=jω, प्रोवाइडेड जो आपने लाप्लास कैलकुलेट किया उसकी ROC जियोमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रही हो। ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ हम क्या बोलते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एक बार HS कैलकुलेट कर लेते हैं, S की जगह पे जियोमेगा डाल के देखते हैं कि हो क्या रहा है। ज़रा इसका HS बताओ, आप बोलोगे कि सर इसका HS, या मैं TS वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, HS फिर फीडबैक को रिप्रेजेंट करने लगता है, तो मैं यहाँ पर TS वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए आप में से कितने लोग इस बात से कन्विंस्ड हो कि सर इसका TS यही आना चाहिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2ζωnS+ωn² एक बार चेक करो भाई और बताओ कितने लोगों को लगता है कि सर एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन हमारा भी आएगा अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो आता ना यही। ठीक है, बट हमें तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में इंटरेस्ट था ना, तो अगर हमको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में इंटरेस्ट था तो क्या हमें एस की जगह पे जे ओमेगा डाल देना चाहिए था? यस, क्योंकि जैसे ही आप एस की जगह पे जे ओमेगा डालोगे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आपके सामने प्रेजेंट होगा। इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा अगर आप देखें तो आपको वो मिल जाएगा K ωn² अपॉन, यहाँ पे देखो अगर आप S की जगह पे J ओमेगा पुट करोगे तो J ओमेगा का होल स्क्वायर, J स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आपको मिल जाता -ω² ये हो जाएगा 2ζωn, ये हो जाएगा J ओमेगा प्लस ωn² पहले तो यहाँ तक समझो, फिर इसके बाद की कहानी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलो परफेक्ट, तो मैंने S की जगह पे जियोमेगा बस डाला और कुछ नहीं किया, तो -ω² यहाँ से मिल गया, इस S की जगह जियोमेगा, ये आपको मिल गया ωn² आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। ठीक है परफेक्ट, तो अब यहाँ पे जल्दी नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके ना इसका प्लॉट आपको बताना चाहता हूँ, वही तो हो जाएगा ना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अरे यार अगर इसका मैंने प्लॉट आपको समझा दिया या ये बता दिया कि इसका प्लॉट कैसे बनेगा, तो वही फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो गया, उसी पर बेस्ड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट। चलो देखो ज़रा इसको, तो अगर मैं ये देख लेता हूँ टी ऑफ जे ओमेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई के। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सपोज़ ये जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, ये देखिए ये जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ ωn² से डिवाइड कर लेता हूँ। ये जो ωn² दिख रहा है ना, इससे मैं नीचे इसको डिवाइड करता हूँ, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो देखिए एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आ जाएगा, ωn² अपॉन ωn² प्लस जे
टू जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, समझ गया ना ये मैंने क्या लिखा? देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया यार, ये देखिए ओमेगा एन स्क्वायर उठाया और नीचे सब में डिवाइड कर दिया, ये वन हो गया, ये नीचे आपका हो गया ओमेगा एन, और यहाँ पे ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर आ गया। तो सिंपली ओमेगा एन स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया। एक बार आप लोग भी डिवाइड करके देखो कि आपको वही एक्सप्रेशन आ रहा है जो मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया, चेक करो जल्दी। अरे भाई क्लास चल रही है, क्लास कर लो यार, अलग ही तुम लोगों की जिंदगी में समस्या चली आ रही, खत्म ही नहीं हो रही है समस्या, दुख खत्म ही नहीं हो रहा है कि ये दुख कब खत्म होगा। तो भाई अभी क्लास चल रही है, 2-2.5 घंटे तसल्ली से क्लास कर लो, समस्या तो चलती रहेगी जिंदगी भर ना, अलग ही प्रॉब्लम सबकी चल रही है। कोई बोल रहा है सर मेरे नल में पानी नहीं आ रहा है, कोई बोल रहा है कि सर मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ और रात को जल्दी सो नहीं पाता हूँ, मगर मेरी जो है सुबह पढ़ने की आदत है और रात में मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, अलग ही लेवल पे तुम लोगों की दिक्कतें चल रही हैं। तो भाई उस पर कभी और पीएचडी आराम से करेंगे बैठ के, ठीक है, फुर्सत से मैं भी आ जाऊँगा, किसी दिन आप भी आ जाना, बैठेंगे मिल बांट के सारी समस्या दूर करेंगे, समझ गए ना, अलग अलग चीज़ों से आप लोग परेशान हो, ठीक है। कोई बोल रहा है कि सर मैं लाइट में पढ़ नहीं पाता हूँ और अंधेरे में मुझे दिखता नहीं है, तो यार इसका क्या सोल्यूशन है? आप लाइट जली है तो पढ़ नहीं पा रहे हो और अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा है, तो इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना भाई, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है। चलो ये हमने लिख दिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो यार इतने बड़े हो गए हो यार तुम लोग, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप लोग ऐसे सवाल पूछते हो यार, कल को शादी वादी आपकी हो जाएगी, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, तो बच्चे को लगेगा कि भाई ये मेरे पापा हैं, ये तो मुझसे भी छोटे लग रहे हैं, तो यार थोड़ा पापा वाली हरकतें करो, अब बड़े हो गए हो ना, ठीक है। चलो अब मैं इसको अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड आपको ऐसा मिलेगा, बोलो, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया भाई, ये देखो क्या ये मैंने एक मैग्नीट्यूड रिस्पांस बनाया। मैग्नीट्यूड रिस्पांस का मतलब होता है ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, समझ गए। तो कभी कभी इसको ना मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कभी कभी इसको मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी बोला जाता है। आप मुझे बताइए ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात से कन्विंस्ड हैं कि सर हम लोग कन्विंस्ड हैं कि ये ओमेगा का फंक्शन आ रहा है, आप इस बात से कन्विंस्ड हैं कि ये ओमेगा का फंक्शन आ रहा है। अगर ये ओमेगा का फंक्शन आ रहा है तो क्या हम मॉड ऑफ टी ऑफ जे ओमेगा वर्सेज ओमेगा की एक प्लॉटिंग कर सकते हैं, हाँ या ना, बस इस बात पर जवाब देना। सिमिलरली इसको एक बार चेक करो, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना उसका बस आपको जवाब देते जाना है। ये देखो 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन, और ये नीचे वाला एक्सप्रेशन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, कुछ मिसप्रिंट हो तो बता देना, ठीक है, अदरवाइज कुछ पीएचडी वाले हैं वो मिसप्रिंट पे भी भाई सेशन बना देंगे, तो मिसप्रिंट होना, मिसप्रिंट को बताना आपकी जिम्मेदारी है, समझ गए, ठीक है। चलो चेक करो, सही बात है, यानी अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं बोलूं कि भाई एक काम करो, ये जो मॉड ऑफ टी ऑफ जी ओमेगा दिख रहा है ना, इसका ओमेगा के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना दो, ये जो एंगल ऑफ टी जो टी ऑफ जी ओमेगा दिख रहा है इसका ओमेगा के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना दो, तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये कैसे बना देंगे इसका ग्राफ ओमेगा वर्सेज ओमेगा का, या अगर इसकी प्लॉटिंग भी करनी है तो ये कैसे कर देंगे प्लॉटिंग, सिंपल सी प्लॉटिंग अगर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की होती, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप की होती, तब भी चलो एक बार के लिए उसकी प्लॉटिंग कर देते, इसकी प्लॉटिंग तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यही तो बात है, तो इसकी जो प्लॉटिंग है इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक, है ना, यस। तो अगर आप यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ नोटिस करो तो क्या हम ये ऐसा बोल सकते थे कि अगर इसकी प्लॉटिंग हमें करनी है या फिर इसकी प्लॉटिंग हमें करनी है तो इसका प्लॉट हमको पहले से पता होना चाहिए, मतलब किसी ने बना रखा हो या फिर हम मैट लैब में जाके इसकी प्लॉटिंग करें या किसी ने हमको बता रखा हो या हमने किसी बुक से देख रखा हो, तो मतलब ये है कि जब भी आप एक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की प्लॉटिंग करने जाते हो तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन बना हुआ है जिसका कि आपको प्लॉट ऑलरेडी पता होना चाहिए, अगर इसका प्लॉट आपको ऑलरेडी नहीं पता है तो आप एग्जाम में जाके तो नहीं बना पाओगे, इज़ इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन, सोच के बताइए। एंगल वाला एक बार और बताना, ये देखो ऊपर वाले का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, फिर लिखोगे माइनस, नीचे वाले से एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे 10
टेन इनवर्स बी बाई ए, बी की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी दिख रही है ये, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है ए, समझ गए ना। तो फिर लिख लो माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए, बस यही करना आपको एंगल कैलकुलेट करने के लिए, माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। जैसे एंगल कैलकुलेट करते हो यार, सिंपल सी बात है, वही कैलकुलेशन करनी, ठीक है ना। चलो तो आप लोग इस बात को समझ गए ना कि अब इसकी प्लॉटिंग करनी चाहिए। तो कितने लोग एक्साइटेड हो गए, सर इसका प्लॉट बताओ, अब रहा नहीं जा रहा है, प्लॉट बताइए, प्लॉट इसका कैसे दिखेगा। चार केसेस में प्लॉट बताता हूँ, उन चार केसेस से ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, इसकी प्लॉटिंग करना देखते हैं, ओके, ध्यान से देखिएगा। केस वन, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे एक सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, वो सिली मिस्टेक मैं आपका यहीं पे इम्प्रूव करवाता हूँ। केस वन देखिए, सबसे पहली चीज़ आप क्या किया करो ना, ट्रांसफर फंक्शन को चेक किया करो। तो आपने ट्रांसफर फंक्शन को चेक किया, सपोज ट्रांसफर फंक्शन आपका आ गया कुछ ऐसा, एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया सी एस बाई आर एस। सपोज आपने सी एस बाई आर एस की जगह ना मैं टी एस ही लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग टी एस वाला नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने सबसे पहले क्या करना है यार, सबसे पहला काम करना है इस ट्रांसफर फंक्शन को चेक करना। जैसे ही आपने इस ट्रांसफर फंक्शन को चेक किया ना, इसमें आप एस इक्वल टू जीरो डाल दो। क्या डालोगे? एस इक्वल टू जीरो। एक बात बताना, जैसे ही आपने इसमें एस इक्वल टू जीरो डाला, वैल्यू क्या मिली? के मिल गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही आप इसमें एस इक्वल टू जीरो डालोगे, आपको इसकी वैल्यू के मिल जाएगी। चाहो तो आप डाल के चेक कर लो, ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आई के। जैसे ही आपको के की वैल्यू मिलती ना, आपको प्लॉटिंग पे फिर फोकस करना स्टार्ट करना चाहिए। प्लॉटिंग पे कभी भी डायरेक्ट फोकस मत करना, ठीक है। तो ये देखिए, इसकी जो प्लॉटिंग आएगी ना, ये आ जाएगी मॉड ऑफ टी ऑफ जी ओमेगा वर्सेस ओमेगा, स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होगा ओमेगा इक्वल टू जो जीरो वाला पॉइंट होगा दिस, ये आपका स्टार्ट होगा के से, ठीक है, के से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ से ये उठेगा, एक पीक बनाएगा और उसके बाद डाई डाउन कर जाएगा, समझ गए। हालांकि ये टू साइडेड आएगा, समझ गए, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए शो कर रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम में जितनी भी प्लॉटिंग आप करते हो, सारी की सारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए आप प्लॉटिंग शो करते हो। अगर यही ग्राफ में सिग्नल सिस्टम में बनाता तो एग्जैक्टली इसी का रिप्लिका नेगेटिव साइड में भी जनरेट करता, बट मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए, जो आपने यहाँ पे प्लॉटिंग करी, आप मुझसे पूछोगे कि सर ये जो प्लॉटिंग हम लोग कर रहे हैं, क्या ये प्लॉटिंग हमेशा की जा सकती है, हर एक वैल्यू के लिए की जा सकती है? नहीं, ये जो प्लॉट आप कर रहे हो ना, स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली आप यहाँ पे लिमिटेशन लगा रहे हो कि भाई जो जीटा है वो जीरो से वन बाई रूट टू के बीच में होना चाहिए, तभी ऐसा प्लॉट बनेगा। तो आप सोचोगे कि अगर जीटा जीरो हो जाएगा तब कैसा बनेगा, जीटा वन बाई रूट टू के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तब कैसा बनेगा, वो थोड़ी देर में उसकी चर्चा करते हैं। बट एज ऑफ नाउ दो चीज़ों में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। एस इक्वल टू जीरो डाला, वैल्यू मिली के, तो ग्राफ की जो हाइट होनी चाहिए वो के से स्टार्ट होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक ये जाते हुए एक पीक शो करेगा, उसके बाद फिर ये डाई डाउन कर जाएगा। साथ के साथ ये जो ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है तभी दिखेगा जब जीटा जीरो से लेके वन बाई रूट टू के बीच में होता है, अदरवाइज फिर ये ग्राफ का नेचर और शेप चेंज हो जाएगा। थोड़ी देर में उसकी भी चर्चा मैं करता हूँ। अच्छा, अगर मैं इस के से रूट टू नीचे आ जाता, अगर मैं इस के से रूट टू नीचे आ जाता तो ये वैल्यू मुझे मिल जाती के बाई रूट टू। तो यहाँ पर जो मुझे फ्रीक्वेंसी मिलती, कोई मुझे बता सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज आप देख रहे हो, एक पूरी बैंड बन गई ना फ्रीक्वेंसी की, इसी फ्रीक्वेंसी को या इसी बैंड को आप क्या बोलते हैं, 3 dB बैंडविड्थ, इज इट ओके, ठीक है। साथ के साथ आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली एक पीक भी बन रहा है बीच में, ठीक है। तो ये जो पीक आपका बन रहा है ना, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आप लिखते हो उसको बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हो इसको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और जो हाईएस्ट पीक आता है इसको बोलते हैं रेजोनेंट पीक, ठीक है। तो ये जो पूरा डायग्राम बना हुआ ना, ये पिक्टोरियली आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए जाके। ग्राफ आपने देखा, आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ इमीडिएटली स्क्रीनशॉट लेके आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि यार आज के बाद अगर ऐसा कोई ग्राफ दिखता है, इसके एक एक पॉइंट में क्लैरिटी होना चाहिए। शुरू कहाँ से हो रहा है? के से। फिर एक इसने हाइट अचीव की, डाई डाउन कर गया। के से अगर रूट टू नीचे आ जाओगे, ये ग्राफ आपका जाके यहाँ पे हिट करेगा, और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी आ रही ओमेगा सी, ये पूरी की पूरी जो रेंज होगी 3 dB बैंडविड्थ कहलाएगी। तो ऑल इन ऑल ओमेगा सी को भी आप 3 dB बैंडविड्थ बोल सकते हो। जिस फ्रीक्वेंसी पे हाईएस्ट पीक अकर कर रहा है उसको बोलते हैं रेजोनेंट पीक। ये नाम लिखवा रहा हूँ, नाम पे फोकस मत करो, बस ये देखते जाओ यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये एमआर है, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं रेजोनेंट पीक। नाम अभी लिखवाता हूँ, चेक करो। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा डिस्क्लेमर कि भाई ये ग्राफ कब बनेगा, कब आ रहा है? जब जीटा को हम जीरो से वन बाई रूट टू के बीच में लेके चल रहे हैं। कभी कभी वन बाई रूट टू की जगह पे ना आपको ऐसा भी मिलेगा, जीरो से लेके
0.707, अदरवाइज ये ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, केस वन क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बोलो भाई, इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, 3 dB का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है अभी अगले डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, के से के बाई रूट टू पे आए, इसको 3 dB क्यों बोल रहे हैं, चारों केसेस देख लो यार। फिर वही बात, अब मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप बस उस टॉपिक को खत्म कर लो, आपके सारे डाउट अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्रैश कोर्स में मैं आपसे ये दावा कर रहा हूँ, तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में तो और सोचो क्या क्या होगा। तो क्रैश कोर्स में बोल रहा हूँ, अगर कोई टॉपिक मैं ले रहा हूँ, सुन लो शुरू से लेकर आखिरी तक, सारे डाउट खुद ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ओके परफेक्ट। चलो केस टू पे आ जाओ, ये लो केस टू। ठीक है, एक तो इस मॉडल का क्वेश्चन आएगा, केस टू। ठीक है, चलो केस टू में देखो क्या करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन में वही लेके चलता हूँ, PS इज इक्वल टू, चार केसेस करवा रहे हो ना, वो देख लो, फिर कुछ और करते हैं। मैंने आपसे बोला 5 क्वेश्चन है, आप बस मेरी बात सुनते जाइए, वो 5 के 5ों क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अगर वो लग गए तो एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, या जो आने वाले हैं वो भी लग जाएंगे। चलो यहाँ पे S की जगह पे मैं 0 डालता हूँ। ठीक है, ये मैंने S इक्वल टू 0 डाला, मिल गया K। बट इस बार मैं जो ग्राफ बनाना चाहता हूँ, वो ग्राफ बनाने के लिए ना मैं कुछ एक्सेसेस में चेंजेस लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई इस बार जो ये एक्सिस है ना, ये नॉर्मल एक्सिस ना हो, बल्कि ये एक्सिस dB में कन्वर्ट कर ली जाए, और इस ओमेगा को मैं एज इट इज ही छोड़ देता हूँ। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, और ये हमने एक्सिस dB में कन्वर्ट कर ली। तो आप बोलोगे कि सर अगर ये वैल्यू यहाँ पे k आ रही थी, और आप बोल रहे हो इसी k को dB में कन्वर्ट कर लो, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इस बार जो आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट आ जाएगा वो 20 log टू दी बेस 10 के, ये आ जाएगा। ऑब्वियसली इसकी यूनिट dB हो जाएगी। अरे भाई इस वाले ग्राफ को अगर मैं बोलता dB में कन्वर्ट कर दो, तो आप इसके आगे 20 log बेस 10 लगा देते, इसके आगे 20 log बेस 10 लगा देते, और इसके आगे 20 log बेस 10 लगा देते, इज इट नॉट? यस। तो इस बार जो ग्राफ का शेप होगा वो थोड़े ना चेंज हो जाएगा, ये तो बस वैल्यूज हैं जो आपके चेंज हो रही हैं। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमें 20 log के बाई रूट टू की वैल्यू निकाल के बताइए। तो जो आप 20 log k बाई रूट टू की वैल्यू निकालोगे, तो क्या ये 20 log टू दी बेस 10 माइनस 3 dB आ जाएगा? चेक करके देखो, ये भी इसकी यूनिट भी dB है, 20 log लगा दिया, बार बार इसकी यूनिट नहीं लिख रहे, बट दिस इज dB ओनली। सही बात है ना, 20 log 1 बाई रूट टू कैलकुलेट करके देखोगे तो माइनस 10 log 2 हो जाएगा। 10 log 2 सभी को पता होगा, log 2 की वैल्यू 0.30 कुछ आती है, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 dB हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे ये वाला पॉइंट लिखना होता है, या फिर इसके कोऑर्डिनेट लिखने होते, तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट ऐसा ही तो लिखता, 20 log टू दी बेस 10 के माइनस 3 dB? तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक गिरावट कितनी दर्ज हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरावट दर्ज हुई 3 dB की। तो अगर इसके एम्पलीट्यूड को 3 dB गिरावट दर्ज करने के लिए 0 से ओमेगा सी तक की फ्रीक्वेंसी पे कवर करना पड़ रहा है, तो क्या उसको 3 dB फ्रीक्वेंसी नहीं बोलोगे? तो और क्या बोलोगे, है ना? सिंपल सी बात है भाई, इसके एम्पलीट्यूड को 1/√2 होने के लिए, यहाँ से शुरू किया और 1/√2 होने के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी कवर करनी पड़ी, 3 dB की गिरावट दर्ज करने के लिए इसको इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज कवर करनी पड़ी। सो दिस शुड बी 3 dB फ्रीक्वेंसी। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। रही बात इन सब चीज़ों की, तो ये तो वैसा ही है, ये तो ओमेगा आ ही रहेगा, बट ये वाली जो वैल्यू थी इसको 20 log MR कर लेना आप लोग। बोलो, ठीक है, तो दो मॉडल के क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक मॉडल का क्वेश्चन जिसमें आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ आएगा, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें ये वाली एक्सिस नॉर्मल एक्सिस होगी, एक दूसरे टाइप का ग्राफ आएगा जिसमें ये एक्सिस आपकी लॉग वाली एक्सिस होगी। रही बात डिस्क्लेमर देने की, तो फिर से आप सेफ साइड हो जाओगे और बोलोगे कि भाई ये ग्राफ तभी बन के आएगा जब जीटा को लोगे 0 से लेकर 1/√2 के बीच में, अगर इसके इधर उधर लिया ग्राफ डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे बनेगा ग्राफ, बट पहले सही जो चीज़ है वो देख लेते हैं, फिर बाकी इसके अदर वेरिएशंस को भी कैरी आउट करते हैं। ओके, आगे बढ़े यार, जल्दी बोलो भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे केस थ्री बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, अब देखो केस थ्री में मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा ठनकना चाहिए कि अच्छा सर ये इस वजह से आप ऐसा ऐसा कर रहे थे। ये लो, अब एग्ज़ाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब पूरे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में सवाल लगाना सिखाऊंगा, सवाल कैसे लगाना है। ठीक है, सारे केसेस, सारी वेरिएशन, सारे एक्सेप्शन, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये लो, मान लो अगर मैं यहाँ पे S=0 डाल देता, क्या मिलता? 1।
अभी तक क्या मिल रहा था के, जैसे इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, यार आप मुझे बताओ इसके ग्राफ में क्या, ये बनाते रहना आपको कॉपी पे साथ साथ, ठीक है, बनाते बनाते ही सब याद करवा दूंगा आपको। तो ये हो गया टी ऑफ जे ओमेगा वर्सेस ओमेगा। अब इस बार जो आपका ग्राफ स्टार्ट होगा, शुड इट स्टार्ट फ्रॉम 1 ओनली? आप बोलोगे सही, जाहिर सी बात है ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो ये ग्राफ आपका बन गया कुछ ऐसा। अगर ये 1 से स्टार्ट हुआ तो कितना नीचे आने पे ये 3 dB की रेंज कवर हो जाएगी? आप बोलोगे सर 1/√2 पे आ जाओ, ये आपकी रेंज कवर हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1/√2। ये 0, ये ओमेगा आर और ये आपका ओमेगा सी। डिस्क्लेमर आप दोगे कि भाई ये ग्राफ तभी बन के आएगा जब जीटा 0 से 1/√2 के बीच में ले लोगे, और इस हाइट को आप चाहो तो एम आर बोल सकते हो, करेक्ट? चेक करो, अगर आप बुक्स वगैरह में देखेंगे ना तो आपको यही डायग्राम बुक्स वगैरह में दिखेगा। बुक्स वगैरह में जो बाहर आप एडिशनल गेन के मल्टीप्लाई करते हो या फिर जो आप डीसी गेन के मल्टीप्लाई करते हो ना, उससे रिलेटेड ग्राफ्स आपको नहीं मिलते। तो पहले दोनों ग्राफ इस वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पर डीसी गेन का इंपैक्ट आपको दिखे, जहां पर पता चले ये ग्राफ एक्चुअली स्टार्ट कहां से होगा। ओके, चलो अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं, इस वाली एक्सिस को डीबी में कन्वर्ट करके ग्राफ बनाओ, जैसे ही बन जाएगा डन करना कमेंट सेक्शन में। ये जो आपको एक्सिस दिख रही है ना, इसको डीबी में कन्वर्ट करो, जैसे ये डीबी में कन्वर्ट हो जाए आप बोलो कि सर हमने बना लिया, डन कर लिया, अब आप बना के दिखाओ हमारा सही है या नहीं। जल्दी जल्दी बनाते रहो। बना, डन, आ जाओ केस 4 कर लो। केस 4 में देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, ट्रांसफर फंक्शन सबसे पहली नजर यार ट्रांसफर फंक्शन पे जानी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले निकाल दिया करो कि ये ग्राफ आपका स्टार्ट कहां से होगा। ये हमने लिखा 2 zeta omega ns + omega n²। यहां पर देखो मैंने क्या करा, ये लीजिए यहाँ पे मैंने जीटा की जगह पे, सॉरी एस की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0, वैल्यू मिल गई 1। बट जो आप 1 का लॉग लोगे तो क्या मिलेगा भाई, ये तो बताओ। 1 का अगर आपने लॉग ले लिया तो आपको क्या मिलना चाहिए, ये लीजिए मॉड ऑफ टी ऑफ जी ओमेगा। ये तो डीबी में करके बैठ गए, ये पहले से ही ओमेगा में था। कहाँ से स्टार्ट होगा कोई बताएगा? अगर आप इसका लॉग ले लोगे तो 20 log 1 0 हो गया, यानी कि इस बार आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, एक पीक तक पहुंचेगा और फिर डाई डाउन कर जाएगा। समझ आया? तो इस बार ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये आपको ओमेगा आर यहां दिखेगा और 20 log 2 the base 10 एम आर यहां पे दिख जाएगा डीपी में, ठीक है। कुछ बात समझ में आई? बाकी ये वाला जो पॉइंट होगा थोड़ा ऊपर से बनाते हैं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3 dB का, ठीक है, ये पॉइंट 0 dB का। तो ये -3 dB पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वो आपका ओमेगा सी हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों ने ये ग्राफ बना लिया था मेरे बनाने से पहले, ईमानदारी से चैट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ईमानदारी से बताना कि हाँ सर हमसे बन गया था, बन गया था। तो कुछ फॉर्मूलेज वगैरह आपको लिखना सिखाता हूँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। चलो केस 4 अगर आप लोगों को क्लियर है, आइए फॉर्मूलेज की चर्चा करते हैं। ये देखो फॉर्मूलेज यहाँ पे कौन कौन से याद करने हैं, देखिए कौन कौन से फॉर्मूलेज याद करने हैं। यार ये वाला ट्रांसफर फंक्शन लेके चलता हूँ जिसमें ये डीसी गेन आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2 zeta omega ns + omega n², ठीक है, ये आप लोगों को मिल गया। ये लीजिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, परफेक्ट। चलो यहाँ पे मैंने s=0 डाला, जैसे ही मैंने s=0 डाला यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई के बराबर मिल गई। शॉर्ट में छोटा सा यहाँ ग्राफ बना लेते हैं, ये लीजिए छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, इस बार ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि फॉर्मूलेज भी हमको लिखने ना, ठीक है।
तो हमने ये ग्राफ बना दिया मॉड ऑफ टी ऑफ जी ओमेगा और यहाँ पे कर दिया वर्सेस ओमेगा। आपको पता है यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा और ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू अगर आप देखो तो ये के हो जाएगी, ये वाली हाइट आपकी एम आर हो गई, ये वाली हाइट एम आर हो गई, तो ये के बाई रूट टू एम आर जीरो ओमेगा आर ओमेगा सी। अब ये सारे फॉर्मूलेज लिखना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ओके। चलिए देखिए, ये जो फॉर्मूलेज मैं लिख रहा हूँ ना, इनको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं ओमेगा आर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ओमेगा आर का, ओमेगा आर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है जीरो, सॉरी ओमेगा एन फॉर जीटा इक्वल टू जीरो, ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस टू जीटा स्क्वायर अगर जीटा जीरो से वन बाई रूट टू, और ये जीरो हो जाता है अगर जीटा वन बाई रूट टू से ज़्यादा होता है। तीनों याद रखना है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। जनरली आप लोग ये वाला याद रखते हो, अगर ये वाला भी याद रखते हो तो जीटा की रेंज के साथ हमेशा याद रखना, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये ओमेगा एन आ जाएगा जब भी आप जीटा, वो तो यहां से भी दिख रहा होगा कि सर जीटा जीरो डालो ओमेगा एन आ गया, दैट इज फाइन, बट जीटा को अगर आप वन बाई रूट टू या उससे ज्यादा डालने की कोशिश करोगे ना तो अंदर वाली चीज कॉम्प्लेक्स आ जाती है। तो जनरली ये बोला जाता है कि जब जीटा की वैल्यू वन बाई रूट टू या उससे ज्यादा है तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इफ देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंट पीक। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं है तो रेजोनेंट पीक का भी कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। तो जनरली देखो यही बोला जाता है कि अगर आपने कभी भी जीटा की वैल्यू वन बाई रूट टू या उससे ज़्यादा रखने की कोशिश की तो उन सारे केसेस में आपका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है उसकी डेफिनेशन इनवैलिड हो जाती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जनरली उसकी वैल्यू हम लोग जीरो ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ओमेगा आर का नाम क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसका नाम क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि तीन तरीके की फ्रीक्वेंसीज अभी तक आप पढ़ चुके हो। कौन कौन सी? एक तो आपने पढ़ा था अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसको क्या बोलते थे? ओमेगा एन। दूसरा आपने पढ़ा था डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसको आप बोलते थे ओमेगा डी। एक तीसरा टर्म होता है जिसको आप लोग बोलते हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस टू जीटा स्क्वायर जब जीटा जीरो से वन बाई रूट टू के बीच में। अगर जीटा जीरो है तो ओमेगा एन हो जाता है, और वन बाई रूट टू से ज्यादा तो आप उसके वैल्यू जीरो कंसिडर कर सकते हो। सेकेंड फॉर्मूला देखो रेजोनेंट पीक का, सेकेंड फॉर्मूला रेजोनेंट पीक। तो अगर आप रेजोनेंट पीक का फॉर्मूला देखोगे ना तो वो देखिए कुछ ऐसा है, रेजोनेंट पीक का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ठीक है। ये देखिए रेजोनेंट पीक का फॉर्मूला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखो एम आर इक्वल टू इनफाइनाइट इफ जीटा इक्वल टू जीरो, के की वैल्यू यहां पे मत भूलना, टू जीटा अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर अगर ये जीरो से वन बाई रूट टू के बीच में। मगर अगर जीटा की वैल्यू वन बाई रूट टू या उससे ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू आप के कंसिडर कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना वैसे ही फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। जनरली आप देखोगे बुक्स वगैरह में या फिर जब भी आप याद करते होगे तो शायद ये वाला फॉर्मूला याद रखते हो, और इस वाले फॉर्मूले में भी ये के मिसिंग होता है तो इस के को भी याद रखना। जो भी यहाँ पे एस इक्वल टू जीरो पे वैल्यू आ जाएगी वही वैल्यू यहाँ पे आपके के फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। बोलते जाओ, जल्दी बोलते जाओ फटाफट। चलेगा तीनों फॉर्मूलेज? चलो अब एक फॉर्मूला आपको ओमेगा सी का बता देता हूँ। ये देखिए जब आप 3 dB बैंडविड्थ का फॉर्मूला लिखते हो तो वो फॉर्मूला हो जाता है ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस टू जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस टू जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 3 dB बैंडविड्थ का। तो ये तीन फॉर्मूलेज अगर आपको सिस्टमैटिकली याद हैं तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। क्लियर है बात? यस नो आपको मिलते रहना चाहिए। तो ये जो स्लाइड पे लिखा हुआ है ना हमेशा ऐसे फॉर्मूलेज याद करना। के यहाँ पे दे रखा होगा, अगर के दिख रहा है डायग्राम आपको क्लियर हो गया। इस के का इंपैक्ट फॉर्मूले में कहाँ पे आएगा? रेजोनेंट पीक पे। फ्रीक्वेंसी में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। देख लो, आराम से सोच लो, समझ लो।
जीटा कभी कभी कैलकुलेट करना रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में जीटा कैलकुलेट करना रहता है, जीटा की बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, तो वही वैल्यू चूज करनी रहती है जो 0 से 1/√2 के बीच में एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, अगर आपका जीटा एग्जैक्टली 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, जीटा 0 से 1/√2 के बीच में है तो उसका मतलब क्या होता है, और जीटा ग्रेटर देन 1/√2 या उसके बराबर है उसका मतलब क्या होता है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, आइए जरा एक डायग्राम और देख। अच्छा पहले बताओ ये क्लियर हो गया, ये सब कुछ क्लियर है, सारे फॉर्मूलेज ऐसे याद रखना जैसे मैंने आपको सिखाए। ठीक है, आइए देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक सिंगल डायग्राम में ये सारे कंसेप्ट आप एक बार में सीख लीजिए। ये देखिए, जैसे मान लो हम इसकी प्लॉटिंग कर रहे हैं, ओके ये हो गया हमारा ओमेगा, तो एक प्लॉट तो हमारा बहुत क्लियर है, एक प्लॉट तो हमारा बहुत क्लियर है ये वाला। ये देखिए, ऐसा, ठीक है, ये वाला प्लॉट तो हमारा अच्छी तरीके से क्लियर है। ये प्लॉट आप कब बना सकते हो, जब जीटा 0 से 1/√2 के बीच में। अगर जीटा एग्जैक्टली 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, देखिए अगर जीटा एग्जैक्टली 0 हो जाएगा तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये के वाली वैल्यू तो सब में ही सेम है, बट ओमेगा आर वाले पॉइंट पे देखो क्या ये इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा। यस, अब इन्फिनिटी तक तो आप कभी पहुंच नहीं पाओगे, है ना, तो इन्फिनिटी तक तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे ना। ये देखिए के की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुई, हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, इन्फिनिटी से वापस घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो वापस अगर ये इन्फिनिटी पे घूम के यहाँ पे पहुँच गया तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि फॉर जीटा इक्वल टू जीरो, जीटा इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया अनडैम्प सिस्टम। तो कभी कभी ऐसा ही बोला जाता है कि किसी भी अनडैम्प सिस्टम के लिए जो आपका मैग्नीट्यूड रिस्पांस होता है वो मैग्नीट्यूड रिस्पांस दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है या ब्रेक होता हुआ नजर आता है, आप ऐसा बोल सकते हो। करेक्ट, चेक करो जल्दी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे केसे स्टार्ट हुआ, ये गया इन्फिनिटी तो आपको दिखेगा नहीं, चाहे आसमान तक देख लो, बट ये वापस यहाँ से रिटर्न भी आता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, फॉर अनडैम्प सिस्टम्स, सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम अगर आपका अनडैम्प हो जाता है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है जनरली वो आपको दो हिस्सों में टूटता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सबको? अरे बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है सबको? चेक करो जल्दी, हाँ ना हाँ ना में जल्दी से जवाब दो एवरीवन। आई बात समझ में? परफेक्ट, चलो आगे देखो, आगे देखो। फिर अगर जीटा की वैल्यू 1/√2 से ज़्यादा हो जाए फिर कैसा ग्राफ बनेगा? तो आप बोलोगे कि उस केस में तो पीक आएगा ही नहीं, है ना, उस केस में तो कोई पीक नहीं आएगा, और जो पीक आना भी होगा वो इसी के पे आ जाएगा। इस वजह से ही यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हम लोग 0 बोल देते हैं, है ना। चेक करो, परफेक्ट, ठीक है, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। तो जो जीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2 होता है ना वो ये वाला हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो जल्दी बोलो भाई, इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? तो ये हो गया ना आपका पूरा कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। एग्जाम में यही वाला आता है जिसमें रेजोनेंट पीक और आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि तभी तो क्वेश्चन बनेगा। अगर रेजोनेंट पीक और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही नहीं तो सवाल कैसे बनेगा? तो जीटा की वैल्यू 1/√2 या उससे ज्यादा लोग तो पीक आएगा ही नहीं, जो आएगा वो ओमेगा इक्वल टू 0 पे आएगा और उसकी वैल्यू के आएगी। और वही तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2 पे मैक्सिमम वैल्यू या जो पीक अकर करेगा वो के पे करेगा और वो ओमेगा इक्वल टू 0 वाली फ्रीक्वेंसी पे करेगा। सोच के देखो, लॉजिकल बात भी है।
अरे यहाँ पे यही तो लिखा गया है कि अगर मान लो हमने जीटा को 1/√2 के बराबर या उससे ज्यादा ले लिया तो ओमेगा आर की वैल्यू 0, यानी कि जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी, जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी होगी, वहीं पे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी। चेक करो, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो बस हो गया खत्म आपका, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात है। सारे फॉर्मूलेज आपको समझा दिए, ग्राफ बता दिया, ये एक आपको तीनों का कंपैरिजन भी समझा दिया, दैट्स इट। सवाल पे चलें, कितने लोग एक्साइटेड हो, इतने लोग एक्साइटेड हो कि सर आप सवाल करवा दो, बाकी सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, अब क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये कंसेप्ट हमारा पक्का हो जाएगा। परफेक्ट, चलो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो एक काम करो ना, इस क्वेश्चन को देख के, इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा थोड़ी देर देखते रहो, घूरते रहो आप इसको थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ी देर आपको ना इस सवाल को घूरना है। जब आप इसको घूर चुके होगे अच्छी तरीके से, तो आप मुझे बताना कि सर हमने देख लिया सब कुछ, आप बताओ आप इसमें जानना क्या चाहते हो, हालांकि नीचे लिखा हुआ क्या कैलकुलेट करना, बट उससे पहले मेरे कुछ सवालों के आपको जवाब देने होंगे। ठीक है, बोलो। घूर लिया, परफेक्ट। चलो देखो, एक दो सवालों का जवाब दो मेरे। ठीक है, मेरे एक दो क्वेश्चंस का आप लोग जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है छोड़ो उसको, मैं आपसे पूछूं, मान लो इस क्वेश्चन में अगर चार ऑप्शन दिए गए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा, मान लो इस क्वेश्चन में अगर मैं चार, यार फिर से मैं ये बोल रहा हूँ पीएचडी वालों को, ये आंसर मैं अप्रॉक्सीमेट दे रहा हूँ, ठीक है, आप पता लगा आप आंसर वांसर निकालो और उसके बाद बोलो कि भाई ये ऑप्शन देखो गलत दे दिया सर ने, ये वो, इस पर भी एक वीडियो लेके आ जाओ, तो आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही से, पीएचडी वाले जो हो ना उन्हीं को बोल रहा हूँ कि भाई ये ऑप्शन मैं अप्रॉक्सीमेट आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो ऐसे पूरा सेशन तो आप देखते ही हो, बहुत कुछ सीखते हो हमारे सेशन से, तो थोड़ा बहुत आपको क्रेडिट भी देना चाहिए कि सर आपके सेशन से हमने ये सीख लिया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पीएचडी में गाइड का जो क्रेडिट होता है वो आपको मुझे भी देना चाहिए। ठीक है, चलिए सी डी। अब मान लो मैं यहाँ पे जीटा की वैल्यू आपको देता एक 0.9, यहाँ पे एक मैं जीटा की वैल्यू आपको दे देता 0.85, सपोज एक मैं जीटा की वैल्यू दे देता, जीटा की वैल्यू मैं आपको दे देता 0, और एक जीटा की वैल्यू दे देता 0. यार मैं एग्जैक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, पीएचडी वाला जो देख रहा होगा ना वो बस इसी मौके की तलाश में है कि भाई कौन सी वैल्यू गलत आ जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सही लिख देता हूँ ये वैल्यू कि जो एग्जैक्ट आंसर आने वाला है, इसी बहाने आपको आंसर भी पता चल जाएगा। ठीक है, 0.204 मैं कह रहा हूँ, अगर ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, अगर ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कैलकुलेशन करेंगे कि नहीं सर ऑप्शन ऑप्शन क्या भाड़ में, हम पहले कैलकुलेशन करेंगे फिर आंसर बताएंगे, और कितने स्मार्ट लोग ऐसे हैं, कितने इंटेलिजेंट लोग ऐसे हैं जिनकी पहली नज़र ऑप्शंस पे जाएगी कि भाई ऑप्शन दे क्या रखा है। अगर ग्राफ ऐसा बना के दे दिया एग्जामिनर ने, तो कौन सा ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता, बोलो। नहीं, ये देखो दुनिया का सबसे हेल्दी इंसान, विटामिन प्रोटीन, ये इनका कोई आंसर गलत नहीं होता कभी। ठीक है, कोई आंसर गलत नहीं होता, इनका नाम ही विटामिन प्रोटीन है, तो मान लो ये जो आंसर इन्होंने लिख दिया वो तो पत्थर की लकीर हो गई, बोलो। तो यार 72% लोगों ने आंसर दिया है कि डी होना चाहिए, मगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 12%, 11%, 9% ABC ऑप्शन पर अटके हुए हैं। भाई क्या कर रहे हो यार, क्या करना चाहते हो? अच्छा, आपने आपने मेरे सवाल के हिसाब से आंसर दे दिया, ठीक है, मैं अच्छा मैं वापस से अपना क्वेश्चन रिफ्रेम करता हूँ, आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, गलत छोड़ो। यस, तो आपने बोला ABC कभी नहीं हो सकता, उसका रीज़न कोई बताएगा? चलो मैं मान लिया कि नहीं हो सकता, बट क्यों नहीं हो सकता उसका रीज़न भी तो बताओ भाई।
वेरी गुड, बहुत सारे लोग इसका सही रीजन बोल रहे हैं कि सर देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमने इस ग्राफ को देखा, जैसे ही हमने इस ग्राफ को देखा तो इस ग्राफ में एक रेजोनेंट पीक अकर कर रहा था एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, इस ग्राफ में एक रेजोनेंट पीक अकर कर रहा था एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, तो 110% यहाँ पे जो जीटा की रेंज होनी चाहिए थी वो यही होनी चाहिए थी, और इसके बाहर तो कुछ नहीं हो सकती। अगर इसके बाहर कुछ नहीं हो सकती, ये गलत ये गलत, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जीटा इक्वल टू जीरो पे ये प्लॉट आपका दो हिस्सों में ब्रेक कर जाता, जो कि ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आपने इस ऑप्शन को भी गलत ठहरा दिया। एक ऑप्शन आपके पास बचा डी, समझ गए ना? तो बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना कुछ किए, अगर कॉमन सेंस से भी देखते तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ रहा था। अब अगर कोई अड़ जाए कि नहीं भाई कैलकुलेशन ही करके बताइए, तो आइए कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया कि सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, क्या क्या कैलकुलेट करना है इसमें, सारी बातें क्लियर हैं? अब एक बार फॉर्मूले से भी आप बता दीजिए क्या करना है। ठीक है, परफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन यार, शानदार। चलो अब फॉर्मूले से देखते हैं। अब फॉर्मूले में देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ग्राफ को एनालाइज करके ना यहाँ से डेटा कलेक्ट करना है। अगर इस ग्राफ को मैं एनालाइज करता तो मेरे पास बहुत क्लियर कट कुछ डेटा यहाँ से मिल रहे थे। एक तो मुझे MR इसका दिख रहा था 2.5, दूसरा इस वैल्यू को कभी भी इग्नोर मत किया करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, यहाँ से K की वैल्यू मिल रही थी 1। ठीक है, ये मिला हमें, ओके परफेक्ट। चलो अब क्या करते हैं, सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, MR इक्वल टू के अपॉन 2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, MR की वैल्यू थी 2.5, K की वैल्यू थी 1, ये आपका हो जाएगा 2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो तो ये मिल जाएगा 2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो 4 जीटा स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लोगे तो 0.16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिलेगा आपको 4 जीटा की पावर 4 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 0.16। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो जीटा स्क्वायर को यार एक्स मान लो, समझ गए? यहाँ पे क्या करो, जीटा स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो। अगर आप जीटा स्क्वायर को एक्स मान लेते हो तो सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 0.16 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो आप सॉल्व करोगे तो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। ठीक है, तो वैल्यूज़ मैं चेक करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0.958 आ जाएगी शायद, हाँ एक x की वैल्यू आ रही है 0.958 और एक वैल्यू आ रही है 0.041। ठीक है, ये मेरी कैलकुलेशन है, इसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन लगे तो ऑलवेज वेलकम। तो 0.041, ठीक है, ये आप लोगों को दिख गया, परफेक्ट। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आप लोगों को दिख रही है ना, ये वैल्यू ये देखिए, ये वाली और ये वाली, ये तो x की वैल्यू आई ना, जीटा की वैल्यू थोड़ी ना आई, तो ये बराबर हो जाएगा जीटा स्क्वायर के और ये बराबर हो जाएगा जीटा स्क्वायर के। तो जो आप दोनों को जीटा स्क्वायर के बराबर करेंगे तो आप मुझे बताइए, ये जो 0.958 दिख रहा है जीटा स्क्वायर के बराबर, तो जो ये जीटा स्क्वायर आपको दिख रहा है 0.958, यहाँ से एक वैल्यू प्लस आएगी और एक वैल्यू माइनस आ जाएगी। यहाँ पे जो जीटा स्क्वायर आपको दिख रहा है 0.041, तो यहाँ से एक वैल्यू प्लस आ जाएगी और एक वैल्यू माइनस आ जाएगी। ठीक है, तो मैं प्लस माइनस दोनों वाली वैल्यूज यहाँ से लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो इसका अंडर रूट लो तो यहाँ से जो वैल्यूज मिलेंगी 0.978, 0.204, यहाँ से मिलेगा जीटा इक्वल टू 0.978 माइनस 978, यहाँ से मिल जाएगा जीटा इक्वल टू 0.204 कॉमा माइनस 0.204। नेगेटिव वैल्यूज तो अलाउड ही नहीं, तो नेगेटिव वाले को तो साइड करो, ये तो कभी आंसर हो नहीं सकता। जीटा आना चाहिए था 0 से 1/√2 के बीच में, ये भी गलत हो गया, तो एक आंसर आपका जीटा के तौर पे क्वालिफाई कर जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी लग सकती है आपको, बट यहाँ पे फाइनल आंसर आपको ऐसा दिखना चाहिए। चेक करो, फटाफट चेक करिए और आंसर बताइए। जीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही होगी 0.204, करेक्ट है ना? ठीक है, तो एक वैल्यू जीटा की हम लोग को मिल चुकी है, उस पर हम सभी लोग कन्विंस्ड हैं कि जीटा की वैल्यू हमको 0.204 मिल जानी चाहिए। अगर जीटा की ये वैल्यू मिल गई तो एक चीज़ आप नोटिस करने की कोशिश करिए कि यहाँ पे जो आपको रेजोनेंट पीक दिख रहा था, क्या ये एग्जैक्टली आपका जीटा का फंक्शन है? चेक करके बताइए। यस, तो कभी भी अगर आपको जीटा की वैल्यू दे रखी हो तो आप उससे MR निकाल सकते हो,
या फिर अगर आपको एम आर की वैल्यू दे रखी है तो सीधा जीटा कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ जीटा का फंक्शन है। तो सिर्फ जीटा देने से आप एम आर निकाल सकते हो, और सिर्फ एम आर देने से आप जीटा की कैलकुलेशन कर सकते हो। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। आगे बढ़ते हैं और बाकी कैलकुलेशंस करते हैं। जीटा की वैल्यू अगर हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई तो आप मुझे बताइए यहाँ से आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर कितनी हो जाएगी। ओमेगा आर की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस टू जीटा स्क्वायर। जीटा आपके पास ऑलरेडी है, ये कैलकुलेशन रही आपके भरोसे। ओमेगा सी अगर आपसे पूछा जाता ये हो जाता ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस टू जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस टू जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन। तो ये दोनों कैलकुलेशन मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ। लॉजिकल जो इसमें अंडरस्टैंडिंग है वो सारी की सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। कितने लोगों को पूरा इनसाइड आउट समझ में आ गया कि सर अगर कभी भी ऐसा ग्राफ लगा के क्वेश्चन पूछा गया तो हम बहुत आसानी से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ओके चेक करो फटाफट। कर लेंगे एवरीवन, परफेक्ट। अगला सवाल करोगे, कितने लोग चाहते हैं कि सर अब अगला सवाल दीजिए, नेक्स्ट सवाल हम खुद से ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन आपने बता दिया, सब कुछ समझ में आ गया, क्या क्या डेटा दिया है, क्या क्या नोट कर रहे हैं। अगला सवाल आप बताइए, अगला सवाल हम लोग खुद से जल्दी से सॉल्व करके बताते हैं। करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन? आइए जरा देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। अभी आपके ऊपर है, किसी भी तरह का इसमें सिली मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? किसी भी तरह का कोई सिली मिस्टेक इसमें हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके चलो, कर रहे हो आप लोग ट्राई इस क्वेश्चन को? जल्दी करो भाई, जल्दी क्वेश्चन को लगाओ। जैसा मैंने बोला ना, किसी भी तरह का कोई सिली मिस्टेक इसमें हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आना चाहिए। जीटा ही पूछा गया इस क्वेश्चन में। ओके इस क्वेश्चन में जीटा ही आप लोगों से पूछा गया है। सबका आंसर आना चाहिए यार, कोई गलती यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है? सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। नितेश का बोलना है कि सर 0.1621 आंसर आ जाना चाहिए। कुमार भी बोल रहे हैं कि सर 0.16 आना चाहिए। AIR1 वाला बोल रहे हैं कि सर 0.44 आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद आप यार अंडर रूट लेना भूल गए हो, AIR1 वाला, ठीक है? ऋतुपर्णा बोल रहे हैं 0.2293 आ जाना चाहिए। आप अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक करिए, एक बार आप अपनी कैलकुलेशन चेक करिए। जीरो पॉइंट वन सिक्स राज भी बोल रहे हैं कि सर 0.16 आना चाहिए। सानिया बोल रहे हैं 0.16। दिवाकर भी सेम बोल रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, अग्रीड, ठीक है। चलो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि एम आर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 2.5। बट के की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यार, 0.18। अगर के की वैल्यू उसने 0.18 दे दी तो आप एम आर का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे भाई? के वाला, हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है। कभी कभार के की वैल्यू आपकी 1 होगी, कभी कभार वैल्यू चेंज। कितने लोग आप में से ऐसे जिन्होंने के को इनिशियली ही 0.8 चूज किया था? आपको गलत आदत छोड़नी है जो आप डायरेक्टली 1 लिख लेते हो। कि हमेशा के लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करो। जल्दी बताओ कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने इनिशियली ही के को 0.8 चूज कर लिया था? अब यार इसको आप सॉल्व करो, और यहाँ से जो करेक्ट आंसर जीटा का आना चाहिए था वो 0.16 आना चाहिए, राइटली सो, क्योंकि जीटा की जो रेंज आनी चाहिए थी वो 0 से लेके 1/√2 के बीच में ही आनी चाहिए थी।
है ना। परफेक्ट, अगले सवाल की तरफ चलें। चलो बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलो ये कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ये क्वेश्चन देखो, इस मॉडल का एक क्वेश्चन पहले मैं आपको करवाता हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि जैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है ना, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत आसान होता है अगर आप उसमें ना उसको प्रॉब्लम के नज़रिए से देखो कि यार इसमें सवाल कैसे लगाना है, एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल कैसे क्रैक करें, अगर उस नज़रिए से देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं जो लोग लेट ज्वाइन किए। एक तो आज के सेशन में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस थे आप लोगों के लिए। सबसे पहला नोटिफिकेशन ये था आप सभी लोगों के लिए कि हमारी जो ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की टीम है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। तीन मेंबर्स इसमें और जुड़ चुके हैं और तीन धाकड़ लोग इसमें और आ चुके हैं, SSS। अब वो नाम आप लोग डिकोड कर लो, कल आप लोगों के लिए ओरिएंटेशन सेशन आ जाएगा, आप देखोगे उसमें तीन धाकड़ आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हैं। अगले संडे तक आपका शॉर्ट नोट्स वाला जो जितने भी लोगों को रिक्वायरमेंट थी वो अगले संडे आपका सेशन होने वाला, और उसी में टेस्ट सीरीज़ का भी डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज़ और है। अब वो सरप्राइज़ यार आपका मोस्ट प्रॉबली 17th को रिवील किया जाएगा, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का सरप्राइज़ है वो, ठीक है। तो अभी उसकी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, बट 17 तारीख को हम लोग रिवील करेंगे कि वो क्या सरप्राइज़ आने वाला है। क्लियर है? चलो अब ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ क्या करना चाहिए। तो देखो जब भी आपका ओमेगा में क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप क्या किया करो, इसको एस में कन्वर्ट कर लिया करो। जैसे आप इसको एस में कन्वर्ट करोगे ये आपको मिल जाएगा S² + 10√2S + 100। ज़रा चेक करके बताओ कितने लोगों ने ऐसा कर लिया। एवरीवन चलो परफेक्ट। अब ज़रा यहाँ पे आप कंपैरिजन करिए, जो आप इसका कंपैरिजन करोगे तो जो इसमें S=0 डालोगे, ये देखो जैसे आपने इसमें S=0 डाला, आप मुझे देख बताइए यहाँ पे आपको K की वैल्यू कितनी मिल गई। तो K की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई 1। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जीटा की वैल्यू आप लोगों को कितनी दिख रही है। जीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करके देखो तो देखो ओमेगा एन आप सभी लोगों को कितना दिख जा रहा है, 10। और 2 जीटा ओमेगा एन की अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते तो यहाँ पे ये वैल्यू आप लोगों को दिख जा रही है 10√2। तो जीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखते तो आपको मिल जा रही थी 1/√2 के बराबर। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये मिल गया एग्जैक्टली 1/√2 के बराबर। चलो अब मुझे बताओ अगर जीटा आपका एग्जैक्टली 1/√2 के बराबर आ गया तो क्या करोगे। जीटा अगर एग्जैक्टली 1/√2 के बराबर आ गया तो मैंने आपको बोला था ओमेगा आर का कंसेप्ट ही फेल हो जाएगा, है ना। अगर ओमेगा आर का कंसेप्ट ही फेल हो गया तो ओमेगा आर की वैल्यू हो जाएगी 0। बट जो एम आर होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के, और के की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की थी 1। तो इस क्वेश्चन में ओमेगा आर की वैल्यू 0 आ जाती और एम आर की वैल्यू आप कितनी लिख देते 1, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर टेबल बनवाई थी ताकि आपको टेबल में क्लैरिटी रहे, है ना, ताकि आपको टेबल में क्लैरिटी रहे कि किस तरीके से ये टेबल आपको यहाँ पर फिल करनी चाहिए। ओके फाइन। एक बार यार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कितने लोग कन्विंस्ड हो कि हाँ सर ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कैलकुलेट करना है। वेरी वेरी मच क्लियर, सभी को क्लियर है ना ये, ठीक है परफेक्ट। अगला सवाल, अभी ये क्वेश्चन आप लोग करिए, बिल्कुल सेम मॉडल का क्वेश्चन है। कभी कभार जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपको MS में ना दे के एम ओमेगा के फॉर्म में दिया रहेगा, तो अगर वो एम ओमेगा के फॉर्म में दे रखा है तो आप उसको आसानी से रिलेट कर सकते हो, समझ गए। चलो जल्दी बताओ भाई इसका आंसर कितना आना चाहिए। एवरीवन फटाफट बताओ।
आंसर कितना आना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलो यहाँ पे भी सेम फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो एम एस की वैल्यू आ जाएगी उसको हम लिख सकते थे 50 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 100। अगर मैं यहाँ पे s की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो ये s की वैल्यू 0 पुट करने से आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी यार, s को आपने 0 पुट किया, k की वैल्यू आपको मिल गई 0.5। k की वैल्यू अगर आपको 0.5 मिल गई तो आप मुझे बताइए ओमेगा, अच्छा ओमेगा r वगैरह भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा n यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 और 2 जीटा ओमेगा n की जगह पर भी आपको मिल जाएगा 10। तो यहाँ से जीटा की वैल्यू आपकी जो मिलेगी 0.5, ये आपको जीटा मिल गया, ठीक है। तो ये ओमेगा एन हो गया, ये आपका जीटा हो गया, ओके। तो यहाँ से जो ओमेगा आर आएगा ये आपको ये मिल जाएगा, और जो आपका एम आर आ जाएगा उसमें के को लिखना मत भूलना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। बताओ कितने लोगों का ओमेगा आर और एम आर कैलकुलेट हो गया, फटाफट चैट बॉक्स में लिख डालो आंसर। मैं आप ही का आंसर देख के यहाँ पर अपडेट करूँगा, मैं आप लोगों का ही आंसर देख के ये अपडेट करूंगा इस क्वेश्चन में कि क्या इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, ओके। कितना आंसर आया इसमें, कैसे जीरो आ जाएगा यार, जीरो तो तब आता है ना जब जीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 1/√2 के बराबर होती। यहां पे तो जो आपका जीटा आ रहा है वो तो आपका प्रॉपर रेंज में है ना, तो अगर ये प्रॉपर रेंज में है तो प्रॉपर फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे ना, सोच के देखो एक बार। तो ओमेगा आर आप लोगों को यहाँ से दिखना चाहिए था 5√2, ठीक है, रेडियंस पर सेकंड, रेडियंस पर सेकंड। और ये वाली जो वैल्यू दिखनी चाहिए थी वो दिखनी चाहिए थी 1/√3। चेक करिए एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। है ना सही बात, ठीक है, जल्दी चेक करो फटाफट सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। हाँ जीटा की रेंज आपकी 0 से लेके 0.707 के बीच में होनी चाहिए, ओके। तो जो जीटा की रेंज होनी चाहिए वो 0 से लेके 0.707 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर। चलो अब इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आखिरी सवाल हम लोग कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको देखना है, थोड़ी देर तक इस क्वेश्चन को देखोगे बहुत सारी चीज़ें स्ट्राइक करेंगे, क्विकली देखो क्विकली पढ़ो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एक बार में इसका भी आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप इस टॉपिक में हमेशा के लिए कंफर्टेबल हो जाओगे, रेजोनेंट पीक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 1.25 घंटे के डिस्कशन में आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे लिमिटेशन सारी पॉसिबिलिटी सारे एक्सेप्शन सब कुछ मैंने इसमें आप लोगों के लिए कवर कर दिया, ओके। आ गया था ना, परफेक्ट परफेक्ट यार, अब ये क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो फिर इसके आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। पढ़ो यार फटाफट ये क्वेश्चन, बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प सिस्टम इज 5 एट 0 रेडियंस पर सेकंड। ये क्या दे रखा है कोई बताना चाहेगा, ये डेटा किस चीज़ का दे रखा है, एक तो 5 और एक तो 0, और बोला जा रहा है पीक्स टू 10/√3 at 5√2। तो ये डेटा किस किस चीज़ का दे रहा है, बस आप मुझे ये बता दो कि ये 5 किस चीज़ का डेटा दिया है, ये तो खैर 0 ही दिया है, ये 10/√3 किसका डेटा है, 5√2 किसका डेटा है, बोलो भाई। ठीक है, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि सर ये k का डेटा दे रखा है, कितने लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि ये k का डेटा दे रखा है, सर k की वैल्यू आप 5 कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहतरीन। ये बताओ क्या दे रखा है, ये और ये पहला और ये किस चीज़ का डेटा दे रखा है, बोलिए। तो आप बोलोगे सर ये डेटा दे रखा है ओमेगा आर का 5√2, ये डेटा दे रखा है एम आर का 10/3, ठीक है। अब पूछा क्या गया, ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन आप सभी लोगों को लिखना आता ही है, ट्रांसफर फंक्शन आप कैसे लिखोगे इस केस में, टी एस आपका हो जाएगा के ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इतने लोगों को ये बात समझ में आई कि सर ये तो बहुत आसान है, बस हम कहीं से ओमेगा एन और जीटा कैलकुलेट कर लें, हमारी कैलकुलेशन डन है। अब मैंने पहले बताया एम आर सिर्फ जीटा का फंक्शन होता है, तो यहाँ पे क्यों देर लगाना, यहाँ पे तो इमिडिएटली लिख लेते हैं के अपॉन 2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको कर लो 10/√3। के की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी दे रखी है,
पाँच, ये कितना मिल गया, टू जीटा अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी जो जीटा की वैल्यू आ जाती है वो मेरे ख्याल से 0.5 आ जाती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ से जीटा मिल जाएगा 0.5। ठीक है, अब यहाँ से ओमेगा आर का फॉर्मूला कैलकुलेट करो, ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ओमेगा एन शायद 10 आ जाता है, यार ये कैलकुलेशन मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, फिर भी आप एक बार चेक कर लो और चेक करके बताओ कि क्या एक्जैक्टली सेम यही आंसर आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक यस, पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 500, क्योंकि के की वैल्यू कितनी है 5, ओमेगा एन स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 इंटू 5 500, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस अगर हम लोग करें तो 5 दुनी 10, तो 10s प्लस 100। मेरे ख्याल से ये ट्रांसफर फंक्शन आप लोगों को यहाँ पे मिलना चाहिए, चेक करो, कन्फर्म करो, वेरीफाई करो। देख रहे हो ना, तो अगर देखो सवाल लगाने की टेक्निक बहुत क्लियर है, सिस्टमैटिक है, पता है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे नहीं लगानी है, तो आराम से क्वेश्चन लगाया जा सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट लैंग्वेज में आपको अटका ले, बट बेसिक क्लियर है, डायग्राम में आपको क्लैरिटी है, सवाल आपसे लगना ही लगना है। ठीक है, बोलिए। तो आज की क्लास में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, एक तो अगर आप किसी सिस्टम में साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स साइनोसॉइडल इनपुट डालते हो तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, वो कैसे लिखना है, वो हमने लिखना सीख लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने सीखी वो ये सीखी कि अगर हमें कभी भी एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दे दिया जाए, उस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एग्जैक्टली प्लॉट करने की कोशिश करूँ, एग्जैक्ट, यहाँ पर कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं, कुछ नहीं, तो अगर मैं किसी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एग्जैक्ट रिस्पॉन्स प्लॉट करने की कोशिश करूँ, रिस्पॉन्स बनेगा कैसा और उनके बेसिस पे कौन कौन से फॉर्मुलेज आ जाएंगे, कौन कौन से रिजल्ट्स आ जाएंगे, यस नो में आंसर करो। अगर ये पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बोर्ड प्लॉट। बोलिए, तैयार हो बोर्ड प्लॉट पढ़ने के लिए? बोर्ड प्लॉट की भी ना आपको बहुत ही अमेजिंग टेक्निक मैं सिखाने वाला हूँ, बहुत ही अमेजिंग टेक्निक कि बोर्ड प्लॉट के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो बोर्ड प्लॉट में ऑब्वियसली जो पहले की आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप बोर्ड प्लॉट का किसी भी एग्जाम का उठा के देखो, दुनिया का कोई भी एग्जाम उठा लो, 99% जो बोर्ड प्लॉट के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको एक बोर्ड प्लॉट बना बनाए दे दिया जाता है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखोगे। तो बोर्ड प्लॉट के पूरे डिस्कशन में एक ही चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पे और उन सारे ही क्वेश्चंस में ये सीखने पे कि अगर एक बोर्ड प्लॉट बना बनाया दे दे तो उससे ट्रांसफर फंक्शन की रिकवरी कैसे की जाती है। ओके, चलो आ जाओ, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि बोर्ड प्लॉट में होता क्या है। देखिए, जनरली क्या होता है बोर्ड प्लॉट में, हमें जो प्लॉटिंग करनी होती है या जो हमें प्लॉटिंग दी गई होती है, इन जनरल वो प्लॉटिंग हमें इस फॉर्म में दी गई होती है। ठीक है, तो एक ट्रांसफर फंक्शन होता है, जनरली ये ट्रांसफर फंक्शन आपका कुछ ऐसा होता है, देखिए टी एस इज इक्वल टू जी एस एच एस के फॉर्म में दिया होता है, विच इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, ओ एल टी एफ ऑफ अ सी एल एस आपको दे रखा होता है, तो आप इसमें एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करते हो, जे ओमेगा पुट करके मॉड ले लेते हो, मॉड लेके फिर डी बी में इसको कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, तो ये वाली एक्सेस हो गई डी बी, डी बी का मतलब 20 लॉग बेस्ड है, और इसमें ये वाली भी जो एक्सेस होती है ना, ये आपकी लॉग एक्सेस होती है। तो जब भी आप कोई ऐसी प्लॉटिंग करते हो जिसमें ये वाली एक्सिस आपकी लॉग की एक्सिस है और ये वाली एक्सिस आपकी मॉड ऑफ टी ऑफ जी ओमेगा डी बी है, तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी ऑब्वियसली चेंज हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, हालांकि ये एक्सिस आपकी लॉग वाली एक्सिस है, बट जनरली यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को ही शो किया जाता है। जैसे अगर मुझे शो करना होगा ना तो मैं इसको शो करूँगा ओमेगा वन, अगर मुझे शो करना होगा तो मैं इसको ओमेगा टू शो करूँगा। शायद इस ओमेगा वन पे जो मैग्नीट्यूड आ रहा होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, इस ओमेगा टू पे जो मैग्नीट्यूड आ रहा होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं मान लेता हूँ मैग्नीट्यूड है M1 का और यहाँ पे मैग्नीट्यूड है M2 का, तो सपोज़ एक पॉइंट में यहाँ पे A ले लेता हूँ, एक B ले लेता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि A का कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, x, y। A की वैल्यू अगर आप x, y ले लो तो x, y को कैसे लिखा जा सकता है, x का मतलब ये वाली एक्सिस। अब भले ही यहाँ पे ओमेगा वन लिखा हुआ है, बट कोऑर्डिनेट लिखने के दौरान क्या आप इसको लॉग बेस 10 ओमेगा वन लिखोगे, एब्सोल्युटली। कॉमा, इसकी जो मैग्नीट्यूड है भले ही यहाँ पे M1 लिखा हुआ है, बट आप इसको तो M1 dB लिखोगे ना, परफेक्ट। तो पहले तो कोऑर्डिनेट लिखना सीख लो। सिमिलरली आप B वाले पॉइंट का एक बार मुझे कोऑर्डिनेट लिख के दिखाओ कि B वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो मैं कोऑर्डिनेट लिखना सिखा रहा हूँ कि A का कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे, B का कैसे लिखोगे। A का बहुत सिंपली आप लिख सकते हो लॉग बेस 10 ओमेगा 1 कॉमा M1 dB, जरूर लिखना उसके साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली
आप बी वाले पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स में आपको ओमेगा वन भले ही दिख रहा है, बट आपको लॉग बेस 10 ओमेगा टू लिखना चाहिए और इसको कर देना चाहिए था एम टू डी पी। इज इट ओके? बोलते जाओ भाई। परफेक्ट। चलो देखो, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, तो अगर मैं आपसे पूछता कि भाई ये जो लाइन ए बी दिख रही है ना, इसका स्लोप तो बताओ क्या हो जाएगा, तो आप बोलते स्लोप तो सर बचपन से निकालते आ रहे हैं, वाई टू माइनस वाई वन। तो आप यहाँ पे लिखोगे एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये लॉग टू ओमेगा टू माइनस लॉग बेस 10 ओमेगा वन। चेक करो, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो दो चीज़ें मैंने सिखा दी कि अगर आपको कभी भी आज के बाद ऐसा कोई डायग्राम मिलता है जिसमें वाई एक्सिस डीबी में है, ये लॉग में है, तो वहाँ पे पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। बाय द वे, अगर कभी स्लोप वगैरह कैलकुलेट करने की नौबत आती है, स्लोप भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ऐसे एक्सिस में जनरली जो आप स्लोप्स देखते हो ना, उसकी कुछ यूनिट्स होती हैं। जनरली जो आपके स्लोप्स होते हैं वो होते हैं 20 डीबी पर डिकेड, है ना। तो 20 डीबी पर डिकेड की वैल्यू हमेशा होती है 6 डीबी पर ऑक्टेव, ठीक है। अब इसी रेशियो में आप बढ़ाते हुए जा सकते हो, 40 डीबी पर डिकेड 12 डीबी पर ऑक्टेव, माइनस 20 डीबी पर डिकेड माइनस 12 डीबी पर ऑक्टेव। तो ये आपको रिलेट करना आना चाहिए, स्लोप्स के बीच में रिलेशन बिठाना आना चाहिए। ओके, चलो, इतनी बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी, इतनी बेसिक जानकारी आपके लिए नीडेड है अगर आप बोर्ड प्लॉट के क्वेश्चंस करना चाहते हो और बोर्ड प्लॉट के एक बने बनाए डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, रिकवर करना चाहते हो। ओके, तो ये इसी रेशियो में घटा बढ़ा लेना, माइनस 20 डीबी पर डिकेड माइनस 6 डीबी पर ऑक्टेव, प्लस 40 डीबी पर डिकेड प्लस 12 डीबी पर ऑक्टेव। तो ऐसे दो गुना तीन गुना करते हुए चले जाना, ठीक है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यहां पे सिखाएं स्टेप बाय स्टेप। बोलो, चलो, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है ऐसा कुछ, ये बना बनाया एक बोर्ड प्लॉट का डायग्राम आपको दे दिया, ये बना बनाया एक बोर्ड प्लॉट का डायग्राम दे दिया, ये बना बनाया बोर्ड प्लॉट का डायग्राम दे दिया, बना बनाया बोर्ड प्लॉट का डायग्राम दे दिया, बना बनाया बोर्ड प्लॉट का डायग्राम दे दिया। यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन कैसे रिकवर करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। पूरा का पूरा टेक्निक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, कुछ नहीं लगना है, सिंपल सी बेसिक टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ, बस वो टेक्निक आपको अप्लाई करने आना चाहिए। तो जल्दी से बताओ कितने लोग रेडी हैं कि सर बताना शुरू करिए, वी आर रेडी फॉर दिस टेक्निक। कितने लोग टेक्निक के लिए रेडी हो भाई, जल्दी बोलो, तभी तो टेक्निक बताना स्टार्ट करेंगे। रेडी हो? चलो देखो करना क्या है, करना क्या है, कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना है, जीएसएचएस की रिकवरी करनी है, ये आपको इसकी रिकवरी करनी है। ओके, स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन की अगर आप बात करो, ये देखो स्टेप वन अगर आपसे पूछा गया, तो जैसे ही आपको डायग्राम दिखे ना, जैसे ही आपको कोई भी बोर्ड प्लॉट का डायग्राम दिखे, आप उसके इनिशियल स्लोप पे कूद जाओ। सबसे पहला काम क्या करोगे, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई इनिशियल स्लोप। क्या आइडेंटिफाई करोगे यार, इनिशियल स्लोप। तो इनिशियल स्लोप क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, यानी कि इनिशियल लाइन हो जाए 0 डीबी पर डिकेड की, या फिर हो सकता है कि आपकी जो इनिशियल लाइन हो वो माइनस 20 डीबी पर डिकेड की हो, या फिर हो सकता है जो आपकी इनिशियल लाइन हो वो माइनस 40 डीबी पर डिकेड की हो, ठीक है। तो अगर आपकी इनिशियल लाइन ऐसी है ना, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा जीएसएचएस में, वो कंट्रीब्यूशन देखिए किस प्रकार से आएगा, वो कंट्रीब्यूशन इस प्रकार से आएगा। इस केस में सिर्फ के का कंट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे के बाई एस का कंट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे के बाई एस स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन होगा, एंड सो ऑन। आप सोच रहे होगे कि सर अगर जो स्लोप आ रहा है वो प्लस 20 डीबी पर डिकेड आ गया, ठीक है, प्लस 40 डीबी पर डिकेड आ गया, तो फिर कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, प्लस 40 डीबी पर डिकेड आ गया तो उसका कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। तो उस केस में अगर आप नोटिस करें तो जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस केस में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका आ जाएगा के इंटू एस, यहाँ पे हो जाएगा के इंटू एस स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप ग्राफ को देखिए, जैसे आपने ग्राफ को देखा
आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली इनिशियल स्लोप पे फोकस करना है. अगर लाइन सीधी है 0 dB पर डिकेड की, तो जीएस एडजस्ट में के अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट कर दो. अगर लाइन -20 dB पर डिकेड की है, के बाई एस कर दो. लाइन -40 dB पर डिकेड की है, के बाई एस स्क्वायर कर दो. लाइन +20 dB पर डिकेड की है, के एस कर दो. लाइन +40 dB पर डिकेड की है, के एस स्क्वायर कर दो. इज इट ओके? वेरी वेरी सिंपल. मुझे लगता है बहुत आसान है, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा या आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. इज इट ओके? हाँ, या तो 20 के मल्टीपल में होगा या तो 6 के मल्टीपल में होगा. ठीक है, या तो 20 के मल्टीपल में होगा पर डिकेड के साथ, या तो 6 के मल्टीपल में होगा ऑक्टेव के साथ. वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, तो मैं बार बार सेम चीज़ नहीं लिख रहा हूँ. ओके, चलो बहुत ही बढ़िया. अब आ जाओ स्टेप टू पे, आ जाओ स्टेप टू पे आते हैं. ये लो स्टेप टू. अगर आप यहाँ से स्टेप टू देखो, तो स्टेप टू में बोला जा रहा है कि भाई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पहचानिए. तो आप बोलोगे सर ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये तो अभी तक आपने बताया नहीं. बता रहा हूँ, फाइंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. देखिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसीज होती है ना जहाँ पे आपका स्लोप चेंज होता है. उदाहरण के तौर पे अगर मैं इस पूरे के पूरे डायग्राम को देखूँ, तो इस पूरे के पूरे डायग्राम में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि इसमें इनिशियल स्लोप क्या है. ये देखो, ये -6 dB पर ऑक्टेव दे रखा है, मतलब इनिशियल स्लोप हो गया -20 dB पर डिकेड. बट उसके साथ साथ देखो क्या इस पॉइंट पे स्लोप चेंज हुआ. यस, ये लाइन ऐसे आ रही थी, यहाँ पे उसने स्लोप चेंज कर दिया. आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, यहाँ पे उसने स्लोप चेंज कर दिया. आगे बढ़ते गए यहाँ पे स्लोप चेंज कर दिया. यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज थी. इज इट ओके? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. तो अगर आप किसी भी बोर्ड प्लॉट को देखोगे, तो उस बोर्ड प्लॉट पे बस चलते रहना है. अगर ऊपर नीचे कहीं पे भी कुछ हुआ, तो वो पॉइंट्स हो गए जो आपके कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हो गई. सोच के बताइए आप आराम से. ठीक है, चलो अब देखो आपको क्या करना होता है. आपने कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ. चलो आपने कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर ली, तो होगा क्या उससे? तो आपको एट ईच कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एट ईच कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई डेल्टा एस. डेल्टा एस को बोला जाता है स्लोप चेंज. स्लोप चेंज का हमेशा मतलब क्या होता है? फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप. उसी पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जिस भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे आप प्रेजेंट हो ना, उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे डेल्टा एस कैलकुलेट कर लेना. डेल्टा एस का मतलब हो गया उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद के स्लोप का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना. तो अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं आपकी. देखिए कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज़. जैसे मान लो कि अगर आपका डेल्टा एस आ गया -20 dB पर डिकेड, ठीक है, तो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा ट्रांसफर फंक्शन में, वो कुछ ऐसा हो जाएगा. देखो 1/, क्योंकि -20 dB पर डिकेड आ रहा था, तो पोल के करस्पॉन्डिंग आएगा, आप लिख लेना S/ω1+1, जहाँ पे आपका ओमेगा वन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है. क्लियर है बात? मतलब कि टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्मेट में आपको इसको लिखना है. तो ओमेगा वन वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी, आप इसको S/ω1+1 लिख लेना. आई थिंक इट इज़ वेरी 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 सिंपल. तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि अगर बाई द वे कभी आपने डेल्टा एस कैलकुलेट किया और वो -40 dB पर डिकेड आ गया, तो उस केस में आपका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा, क्या उसको आप ऐसा लिख सकते थे S/ω2+1 इसका होल स्क्वायर. तो जब जब ये डेल्टा एस माइनस में आएगा, तो हमेशा ट्रांसफर फंक्शन का कंपोनेंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा. देख लेना, -20 है तो पावर 1 लगा देना, -40 है पावर 2 कर लेना, -60 है पावर 3 कर लेना, एंड सो ऑन. इज इट ओके? परफेक्ट. चलो मान लो डेल्टा एस आपने कैलकुलेट किया, वो आपको मिल गया +20 dB पर डिकेड. मान लो डेल्टा एस आपने कैलकुलेट किया, वो आपको मिल गया +40 dB पर डिकेड. तो आपको पता है इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, ये जीरोज़ में कंट्रीब्यूट कर देगा. जीरोज़ में कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी S/ω3 +1 कर लेंगे, और यहाँ पे S/ω4+1 कर लेंगे. ये ओमेगा जो है ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज है, जहाँ पे भी आप ये डेल्टा एस की कैलकुलेशन कर रहे हो. ठीक है, बस आपको ये देख लेना है कि भाई ये डेल्टा एस आ कितना रहा है, और जो फ्रीक्वेंसी उसको इसी फॉर्मेट में लिखना है. एस लिखना, ω3 से डिवाइड करना, +1 कर लो. आराम से इसको दिमाग में बिठा लो, खत्म हो गई आपकी सारी की सारी टेक्निक. ठीक है, फिर आपको स्टेप 3 समझाता हूँ. ओके फाइन, चलो परफेक्ट. स्टेप 3 पे देखो क्या होता है. स्टेप 3 आपका होता है कैलकुलेशन ऑफ के. ये कैसे करना है ये आपको सीधा क्वेश्चन में सिखाता हूँ.
ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ के सीधा क्वेश्चन में सीखते हैं, एक बार सीख जाओगे क्वेश्चन में आसानी से अप्लाई कर पाओगे। तो स्टेप थ्री में होता है कैलकुलेशन ऑफ के, जब इतना आप कर लो तो के की कैलकुलेशन करना, ठीक है। चलो तो एक बार जल्दी से स्टेप्स रिपीट कर लेते हैं, सीधा सवाल पे आते हैं। ओके सीधा सवाल पे आते हैं। यार अजीब ही आदमी हो, बोल रहा हूँ कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो पॉइंट होगा जहाँ पे स्लोप चेंज होगा, आप पूछ रहे हो डेल्टा एस जीरो आ जाए तो क्या होगा। भाई कैसे सवाल पूछ रहे हो यार, अगर आप गलती से कभी इंटरव्यू लेने बैठ गए, इंटरव्यू जो देने वाला है उसने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म में उसने अपना जेंडर लिख दिया मेल, सामने से आता हुआ भी दिख रहा वो मेल, वो आके बैठा, आप पहला क्वेश्चन उससे पूछ रहे हो कि भाई आप मेल हो या फीमेल हो, इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ भाई। पेपर में लिखा हुआ है कि वो मेल है, सामने से आता हुआ आपको दिख रहा वो मेल है, आप उससे पूछ रहे हो कि आप बताओ मेल है या फीमेल, वो बोलेगा कि भाई तुम मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ तुम्हारा इंटरव्यू मैं ले लेता हूँ। तो यार कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पॉइंट ही वही है जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, तो डेल्टा है जीरो कैसे हो जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो यार। डेल्टा एस तो पॉइंट ही वही है ना जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, तो वो जीरो कैसे हो सकता है, मतलब ये तो बिल्कुल ही आपने ऐसी बात कर दी जिसका मतलब एटलीस्ट धरती पे तो कोई मतलब नहीं है, बाकी हो सकता है कि आप जिस ग्रह पे हो वहाँ पे शायद इसका कुछ मतलब निकलता हो, बट धरती पे उसका कोई मतलब नहीं भाई। ठीक है तो जल्दी से ये तीनों स्टेप्स एक बार रिपीट कर लेते हैं, तीनों स्टेप्स एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बोला गया इनिशियल स्लोप निकाल लो, निकाल सकते हो सब लोग इनिशियल स्लोप, इनिशियल स्लोप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही सबसे ज्यादा एग्जाम में मिस होता है। सीधी लाइन 0 dB, ऐसे हो गई -20, ऐसे हो गई +20 +40 व्हाटएवर, इनिशियल स्लोप निकालेंगे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें एग्जैक्टली पता है। सीधी लाइन है तो के रख लेंगे, अगर +20 +40 है तो ks स्क्वायर करते हुए चलेंगे, -20 -40 ks स्क्वायर करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ग्राफ पे चलो और देखो कहाँ कहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आपकी आ गई, तो वहाँ पे जो आपको डेल्टा एस दिख रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लो। उसके करस्पॉन्डिंग GSHS में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो कॉन्ट्रीब्यूशन आप आइडेंटिफाई करो, लास्ट में K की कैलकुलेशन कर लो। बोलो ठीक है। चलो कितने लोग बोल रहे हैं कि सर अब हो गई आपकी जो भी कहनी थी हमने सुन ली, अब सवाल लगा के दिखाओ सवाल कैसे बनेगा, ये सब तो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आता भी था पहले से, क्वेश्चन में लगा के दिखा ये करना क्या है, वो सब तो ठीक है। बोलो 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 जल्दी बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो, सुबह पनवेल निकलना है, इतना टाइम कौन लगाता है यार, क्या टाइम हो गया 10:15। चलो ये रहा आपके सामने पहला सवाल, पहला सवाल मैं करवाता हूं, अगला सवाल आप लोग खुद लगाना, ठीक है। पहले सवाल पे मेरी बात सुन लो, इतनी बात सुन ली तो एक सवाल में मेरी बात और सुन लो, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाना। देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, TS आपसे पूछा गया और उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स प्रॉपरली आपको यहां पर उसने शो कर रखा है। तो अगर इस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को हम लोग देखें तो यहां पर हमको दिख रहा है मॉड ऑफ टी ऑफ जी ओमेगा डीबी और ये दिख रहा है लॉग बेस 10 ओमेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो डेटा दे रखा है ये ओमेगा का डेटा दिया या फिर लॉग 10 ओमेगा का डेटा दिया है, तो आप बोलोगे कि सर ये ओमेगा का डेटा दिया है। तो जब भी आप कोऑर्डिनेट वाइज कुछ लिखने की कोशिश करना लॉग लगा लेना, ये भी ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, ये भी ओमेगा की, ये भी ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, आई थिंक इट इज़ फाइन। चलो ठीक है, तो हमारा सबसे पहला ट्रिगर मूवमेंट क्या होगा इस डायग्राम को देख के, डायग्राम को हमने देखा, पहला ट्रिगर मूवमेंट है कि ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है इसका इनिशियल स्लोप कितना है, जल्दी से यार भर दो चैट बॉक्स कितना है इसका इनिशियल स्लोप, बोलो। तो आप बोलोगे सर इसका इनिशियल स्लोप है -6 dB पर डिकेड, सॉरी ऑक्टेव। अगर इसका इनिशियल स्लोप -6 dB पर ऑक्टेव है तो क्या, हाँ लिखे यहां लिखे, चलो तो क्या हमें शुरुआत यहां से कर लेनी चाहिए थी, बोलते जाओ। अरे अगर ये -20 dB पर डिकेड है तो TS में इतना कंट्रीब्यूशन करने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी। ये देखिए TS इज इक्वल टू K अपॉन, बोलो, ये देखो ये लो ऐसा होना चाहिए था, अपॉन S, नीचे S कर दिया हमने, ठीक है, परफेक्ट परफेक्टली फाइन। चलो अब इस पर थोड़ा घूमना शुरू करते हैं क्योंकि
पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया ना, आप घूमते इसमें देखते कहाँ कहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वगैरह मिल सकती है। चलो ये तो इनिशियल स्लोप था, यहाँ पे पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को इमीडिएटली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ये लो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये हमारी फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, परफेक्ट। जैसे आपने फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करी, यहाँ पे डेल्टा एस भी लिख लीजिए, कितना है यहाँ पे डेल्टा एस, फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप। इसके इस पॉइंट के जस्ट बाद जो स्लोप था वो जीरो था, इसके जस्ट पहले माइनस सिक्स था, तो डेल्टा एस यहाँ से मिल गया प्लस 6 डीबी पर ऑक्टेव, इज इट ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और टहलते हो इस पर, आगे रहे और बढ़ोगे आप, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे स्लोप चेंज हुआ। अगर इस वाले पॉइंट पे भी स्लोप चेंज हो रहा है तो क्यों ना इस वाले पॉइंट को भी एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी बोल दी जाए, और इसके डेल्टा एस की कैलकुलेशन भी हमको करनी चाहिए थी। यहाँ पर डेल्टा एस की कैलकुलेशन करते हैं, 6 माइनस 0 ये भी मिल जाता, प्लस 6 डीबी पर ऑक्टिव, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे हमने ट्रैवल किया, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ पे वापस से स्लोप चेंज हो गया, विच मीन्स ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट, ये भी हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे डेल्टा एस की अगर हम कैलकुलेशन करते तो हमें मिल जाता माइनस 6 डीबी पर ऑक्टेव। इतना कितने लोग कर पा रहे हैं, पहले तो इसमें हाना हाना में जवाब दीजिए। हाँ, 0 डीबी पर डिकेड लिखो, 0 डीबी पर ऑक्टिव लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, जीरो पे ना पर डिकेड पर ऑक्टिव लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना आपने लिख लिया, अब उठा उठा के लिखते जाओ, देखो डेल्टा एस में प्लस 6 आ रहा था, ठीक है, इतना लिख लिया ना सबने, आप देखो कुछ कुछ नहीं करना, ये ओमेगा लिखा हुआ आपका, ठीक है, इसको उठा लो, डेल्टा एस प्लस 6 था तो ऊपर लिख लेना, तो ये हो जाएगा एस अपॉन 2.5 प्लस 2.5 प्लस 1, चेक करिए, सिंपल है ना। अरे डेल्टा एस में प्लस 6 आ रहा था और 2.5, यानी कि ये ऊपर आएगा, जीरो का पार्ट बनेगा, प्लस 6 की वजह से उसकी पावर 1 हो गई, इसकी पावर 1 लिख दोगे, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ये 10 मिला, 10 पे भी प्लस 6 था प्लस 1, 25 पे एस बाई 25 प्लस 1। एक बार यार इसको जल्दी से कंफर्म करो कि सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सर कुछ सेकेंड्स का काम है, 40-50 सेकेंड में ये निपटा देंगे सर, मतलब कोई भी आप मुझे कोई भी बोर्ड प्लॉट दे दो सर, ये TS तो 40-50 सेकंड के अंदर अंदर आपको बना हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल स्लोप देखेंगे, बहुत आसान है, उसके बाद उस पर थोड़ा टहल लेंगे, पता चल जाएगा कौन कौन सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज है, सबका डेल्टा एस लिख लेंगे, है ना। अगर मान लो कहीं पर डेल्टा एस प्लस 12 होता तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देते, मान लो यहाँ पर डेल्टा एस माइनस 12 होता तो नीचे स्क्वायर लगा देते, डिपेंड करेगा कि वो डेल्टा एस 20 का कितना मल्टीपल है या 6 का कितना मल्टीपल है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, असली कहानी इसके बाद शुरू होगी, यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं, है ना। असली जो आपको प्रॉब्लम आएगी, असली जो कहानी स्टार्ट होगी वो इसके बाद ही स्टार्ट होगी कि इसके बाद क्या किया जाए, ठीक है। आइए मैं बताता हूँ इसके बाद क्या करना है। TS का एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है। अब यार ये 15 मिनट अगर आप मेरी बात को बहुत 15 मिनट क्या 5 मिनट अगर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लिया ना आपने, तो आपको बहुत मज़ा आएगा आगे आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आपने सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन ली ध्यान से कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये देखिए ऐसा कुछ आ गया, एस अपॉन 25 प्लस 1, आई थिंक ऐसा ही कुछ हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, अंकित का भी सेम आंसर आ रहा है, बहुत बेहतरीन। चलो देखो अपॉन एस भी था एस, चलो ये हम लोगों ने आंसर लिखा। अब अगर आप नोटिस करो तो k की वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं हुई, तो एज लॉन्ग एज k की वैल्यू नहीं कैलकुलेट हुई है तब तक तो हम इस ट्रांसफर फंक्शन को कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन बोल ही नहीं सकते, यानी कि असली मुद्दा तो k की वैल्यू की कैलकुलेशन का है। अब k की वैल्यू कैलकुलेट करने का ना मैं आपको एक स्मार्ट तरीका समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, k की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको ना एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड सिखाता हूँ, उस अप्रॉक्सीमेशन मेथड को बस एक बार आप समझो, सिर्फ सुनना मेरी बात को, कुछ नोट मत करना, कॉपी पेन सब साइड में रख दो, फुल फोकस से बस मेरी बात को सुनो, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और उसका आंसर देते जाओ, फिर उसके बाद आपको मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा, अगले क्वेश्चन में फिर आप उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। चलो देखो, अब मुझसे पूछा गया कि भाई यहाँ के की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, जैसे ही मुझसे पूछा गया के की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, मैं वापस से बोर्ड प्लॉट के डायग्राम पे आऊँगा। जैसे मैं वापस बोर्ड प्लॉट के डायग्राम पे आया, मैंने देखना शुरू किया कि भाई कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है क्या जिस पे मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता है, तो बहुत नेचुरल है कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 2.5 वाली जो फ्रीक्वेंसी है इस पे मुझे एम्पलीट्यूड पता है -14 डीबी का, इज इट ओके।
मतलब बोर्ड प्लॉट में मैं कुछ कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढने की कोशिश करूंगा जहां पे मुझे मैग्नीट्यूड पता हो। कोशिश मैं यही करूंगा कि वो फ्रीक्वेंसी हमारी जितनी कम से कम हो उतनी अच्छा। जैसे मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैं बढ़ता गया बढ़ता गया, मैंने देखा भाई 2.5 पे मैग्नीट्यूड पता था, बस यहीं पर काम अपना डन हो जाएगा। समझ गए ना? तो जीरो से चलना शुरू करो, जो भी पहला पॉइंट मिल जाए जहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे एम्पलीट्यूड पता है, वो फ्रीक्वेंसी उठा लाओ। तो मैंने क्या किया, मुझे पता चल गया कि यार ओमेगा इक्वल टू क्या था, 2.5 था। हाँ, ओमेगा इक्वल टू 2.5 पे मुझे पता है कि जो भी इसका मैग्नीट्यूड है वो -14 dB है। ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, बहुत ही सिंपल, ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पूरे के पूरे ट्रांसफर फंक्शन को ना ओमेगा इक्वल टू 0.25 पे अप्रॉक्सीमेट करना चाहता हूँ। कैसे अप्रॉक्सीमेट होगा ओमेगा इक्वल टू 2.5 पे, देखना बहुत सिंपल है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि ये एस इक्वल टू 2.5 लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कर लो थोड़ी देर के लिए कि ये एस इक्वल टू 2.5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप जहां जहां पे एस दिख रहा है वहां पे 2.5 रखने की कोशिश करो। आपको सिर्फ सुनना है, नोट कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी बात को सुनना है। मैंने क्या बोला कि ओमेगा इक्वल टू 2.5 पे मैग्नीट्यूड पता था, 2.5 यहां पे रखा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एस इक्वल टू 2.5 रखा हुआ है। मैंने यहां पे 2.5 रखा, आप मुझे बता सकते हो जैसे ही मैंने यहां पे 2.5 रखा तो ये वाला जो सेगमेंट है 2.5 बाई 2.5, ये भी 1 और ये भी 1, इज इट नॉट? तो जब भी आप अप्रॉक्सीमेशन करोगे ना तो उस अप्रॉक्सीमेशन में या तो आप ये वाला टर्म ले सकते हो या तो ये वाला ले सकते हो। उन दोनों टर्म्स में से वही टर्म लेना है जो बड़ा है। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैंने यहाँ पे एस की जगह पे 2.5 रखा तो ये भी 1 और ये भी 1, अगर दोनों बराबर आ गए तो दोनों में से कोई एक ले लो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा के और यहाँ पे लिख दिया 1। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एस की जगह पे 2.5 रखो, आपने रखा 2.5 तो ये 2.5 बाई 2.5 भी 1 था, ये भी 1 था। दोनों में से एक ही टर्म चूज करना है, दो टर्म कभी चूज नहीं कर सकते। तो अगर दोनों 1 था तो 1 को चूज कर लेते हैं, 1 सिंपल है। चलो यहाँ पे रख के देखते हैं, यहाँ पे आप 2.5 पुट करिए, 2.5 बाई 10 बहुत छोटा है, 1 बहुत बड़ा है, तो एक 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। नीचे आते हैं, एस इस एस के पास तो यार कोई कंपैरिजन के लिए था ही नहीं, तो इसको तो एस ही रहने देते हैं। यहाँ पे आप मुझे बताइए अगर आप 2.5 पुट कर दोगे तो फिर ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये 1 और इसको हमने 1 लिख लिया। कितने लोगों को अप्रॉक्सीमेशन समझ में आ गया, सर ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, एस को बस रखेंगे उठा के, दोनों में से एक टर्म चूज करना है, या तो 1 सेलेक्ट होगा या तो उसके साथ वाला सेलेक्ट होगा। अगर 1 बड़ा है तो 1 को चूज कर लो, अगर उसके साथ वाला बड़ा है तो उसको चूज कर लो, और दोनों बराबर हो गए तो दोनों में से कोई एक चूज कर लो, तो क्यों ना 1 को ही चूज कर लें, बोलिए, है ना। और जाहिर सी बात है जहां कंपैरिजन है वही करेंगे, इस एस में कोई कंपैरिजन नहीं तो इसको ऐसे ही लिख दिया एज इट इज। तो मैंने ओमेगा इक्वल टू 2.5 पे पूरा ट्रांसफर फंक्शन ही अप्रॉक्सीमेट कर दिया। जल्दी देखो भाई और देख के इसको कंफर्म करो और बोलो कि हाँ सर ये तो बहुत सिंपल है, कर लेंगे, मजा आएगा इसको करने में। सवाल लगे नहीं लगे वो अलग की बात है, बट ये करने में बहुत मजा आएगा आप लोगों को कि इसको आप एस मानो और रख रख के ट्रांसफर फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करो। अगर यहां तक आप लोग मेरे साथ हो, कन्विंस्ड हो, तो इसके आगे की कहानी बताता हूँ। बस यही था जो था, ठीक है, यहीं तक था जो था, इसके आगे बस अब कैलकुलेशन बची हुई, नथिंग एल्स, ठीक है, कर लोगे, चलो अब कुछ करना नहीं। अब इसके बाद वही जो आपको पता है वो कर लो, एस इक्वल टू जे ओमेगा आपने इसमें डाला तो टी ऑफ जे ओमेगा मिल गया, के अपॉन जे ओमेगा, एस की जगह पे जे ओमेगा डाल दिया, मॉड ले लो, मॉड लेने से आपको मिल जाएगा के अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, के अपॉन 2.5, ठीक है। इसका डीबी में कैलकुलेशन करो, ये लो, इसको डीबी में कन्वर्ट करो, इसको आप डीबी में कन्वर्ट करेंगे ये मिलेगा 20 log to the base 10 k -20 log to the base 10 2.5। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, -14, देखो ना इस पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड था -14 था, तो मैंने बस इस पॉइंट पे फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट किया, एस इक्वल टू जे ओमेगा डाला, मॉड लिया, मॉड लेने से के अपॉन 2.5, जे आपका गायब हो गया, जैसे लॉग लोगे 20 log k - 20 log 2.5 इक्वल टू -14, यहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो कितनी आ रही, निकालो के की वैल्यू फटाफट। तो ये करने में बहुत मजा आएगा आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 0.5, आप चाहो तो चेक करके देख लो। तो कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने बोला था ना फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मतलब टेक्निक्स क्लियर है, सवाल आपका अपने आप लग जाएगा। हो गया खत्म सवाल, के को उठा के 0.5 रखो, ट्रांसफर फंक्शन रिकवर हो गया, बोलो अरे हो गया कि नहीं, हो गया ना, बस 0.5 उठा के पुट कर दो वहां पे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
ठीक है, चलेगा। चलो आगे बढ़े। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। अब अगले क्वेश्चन में भी मैं आपके साथ करूंगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन को भी आपको मेरे साथ साथ करते रहना है, बस मैं जो पूछता जाऊं वो बताते जाना है। देखिए इस क्वेश्चन को आपने देखा, यहां से भी आपको ट्रांसफर फंक्शन रिकवर करना है। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे एक ही चीज बता दीजिए इस क्वेश्चन को देख के। सबसे पहला आपका ट्रिगर मूवमेंट क्या होगा इस क्वेश्चन को देखते ही? जितने भी यहाँ पे स्लोप्स दे रखे हैं उनकी यूनिट यहाँ पे नहीं मेंशन है, ये मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ। जितने भी स्लोप्स यहाँ पे दे रखे हैं वो डीबी पर डिकेड में मेंशन है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो स्लोप है 40 dB पर डिकेड, 20 dB पर डिकेड, 0 dB, -40 dB। पहला ट्रिगर मूवमेंट जल्दी बोलो यार चैट बॉक्स में। हाँ, जो भी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जहां पे मैग्नेट, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं कि वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी जहां पे मैग्नीट्यूड पता चल जाए, समझ गए ना योगेश? जरूरी नहीं वो कॉर्नर हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी जहां पे मैग्नीट्यूड पता हो वहां पे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपके डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर पहला ट्रिगर मूवमेंट तो सर साफ साफ दिख रहा है कि आप यहाँ पे ना इनिशियल स्लोप देख लो लाइन का कितना है। तो इनिशियल स्लोप था 40 dB पर डिकेड, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे जो आपका आना चाहिए था इनिशियली, इसको कहाँ लिखें, इधर लिखते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन जो आपका आना चाहिए था वो तो आ जाना चाहिए था Ks² इज इट ओके? परफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन। तो आपने बोला कि सर ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस पर घूमते हैं। आप जब इस पर घूमना शुरू करोगे तो ये देखो यहाँ तक पहुँचे, स्लोप चेंज, स्लोप चेंज, स्लोप चेंज। तो यहाँ से आपको तीन कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज इमिडिएटली दिख जानी चाहिए। ये तीन कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज ये वाली, एक तो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जल्दी से डेल्टा एस बता दो कितना हो जाएगा। यहाँ से जो आपका डेल्टा एस आ जाएगा, देखो 20 में से 40 घटाओगे तो -20 dB पर डिकेड। इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, ये वाला पॉइंट जहाँ पे आपका स्लोप चेंज हुआ था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपको 1 की दिख रही है। 1 पे 0 में से 20 अगर आप घटा दोगे तो आप बता सकते हो डेल्टा एस आपको कितना मिल जाएगा। डेल्टा एस यहाँ पे भी -20 dB पर डिकेड मिल गया, चलो ये भी ठीक है। इस वाले फ्रीक्वेंसी पे देखो क्या हो जाएगा, इस वाली फ्रीक्वेंसी पे अगर आप डेल्टा एस कैलकुलेट करोगे तो -40 -0 मिल जाएगा, यानी कि डेल्टा एस मिल गया -40 dB पर डिकेड। इज इट मेकिंग सेंस? सही बात है, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताइए ये -20 dB पर डिकेड है तो क्या मुझे नीचे लिखना चाहिए था एस अपॉन 0.5 + 1? बोलो, परफेक्ट। अगर इस वाले पॉइंट पे भी -20 dB पर डिकेड है तो क्या मुझे नीचे लिखना चाहिए था s/1 + 1? ये भी ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ ये जो पांच वाला पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा। इस पांच वाले पॉइंट पे तो डेल्टा एस -40 dB पर डिकेड था, तो ये हो जाएगा s/5 + 1 का होल स्क्वायर। कितने लोगों ने ये TS 50 सेकंड के अंदर अंदर निपटा दिया था, एक बार जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। 50 सेकंड के अंदर अंदर कितने कितने लोगों ने ये TS निपटा दिया था, जल्दी बोलो भाई। पचास सेकंड के अंदर अंदर कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ये TS निपटा दिया था, जल्दी बोलिए। परफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन, करेक्ट है। चलो जल्दी से अगर आप एक बार कंफर्मेशन दो तो हम आगे की कैलकुलेशन पे चलना चाहते हैं जो ज़्यादा मज़ेदार है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, के की कैलकुलेशन वाली, है ना? ये तो चलो हम कर ही लेंगे, ये तो कोई बात नहीं। निपटा दिए, चलो ठीक है। चलो ये कैलकुलेशन तो खैर हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। हमारे लिए क्या मायने रखता है वो ये, तो हमने लिखा Ks² / s/0.5 + 1।
एस बाई वन प्लस वन, एस बाई फाइव प्लस वन का होल स्क्वायर, यही है क्या? बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। चलो अब कौन पूछ रहा था यार, कोई पूछ रहा था ना कि सर कौन सी फ्रीक्वेंसी पे क्या करना है। चलो बताओ क्या किया जाए यार, इस क्वेश्चन में कौन सी फ्रीक्वेंसी पे अप्रोक्सीमेशन लगाया जाए ये बता दो बस, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे अप्रोक्सीमेशन हमको लगाना चाहिए, एक बार अगर ये बता दोगे तो मजा आ जाएगा। फिर से भाई देखना शुरू करो कि एम्पलीट्यूड कहाँ पे पता है, तो आप यहाँ पे टहलना शुरू करो। आपने देखा कि भाई यहाँ पे भी नहीं पता है, यहाँ पे पता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने बोला ओमेगा इक्वल टू वन पे अप्रोक्सीमेट कर दो सर, चलो ओमेगा इक्वल टू वन पे कर देते, देखना कितना मजा आएगा इसको अप्रोक्सीमेट करने में। ओमेगा इक्वल टू वन पे इसका जो एम्पलीट्यूड था वो कितना था यार, 32 dB दे रखा था, ठीक है, तो ये हो गया 32 dB। ये बस नोट कर लेते हैं साइड में क्योंकि फर्दर कैलकुलेशन में ऑब्वियसली इसकी नीड पड़ेगी। चलो इस फंक्शन को मैं ओमेगा इक्वल टू वन पे अप्रोक्सीमेट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ओमेगा इक्वल टू वन लिखा, मेरे दिमाग में आना चाहिए कि भाई ओमेगा ओमेगा छोड़ो, एस की जगह पे वन विजुअलाइज करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस एस को यहाँ पे पुट किया, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है वो तो एस स्क्वायर ही रह जाएगा क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं कंपैरिजन करने के लिए, ये तो ऐसा ही रहेगा, परफेक्ट। नीचे देखिए, अगर आप यहाँ पे ओमेगा की जगह पे वन पुट करते हो इस जगह पे, तो ये 1/0.5 टू हो गया, अगर ये टू हो गया तो ये वन को डोमिनेट कर जाएगा, तो यहाँ पे जो सर्वाइव करेगा वो एस अपॉन 0.5 करेगा। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये s बाई 0.5 प्लस 1 में मैं s की जगह 1 रखूंगा तो ये कॉम्पोनेंट दो मत लिख देना यहाँ पे, समझ गए ना, इन दोनों में से एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखना है। ऐसा मत कर देना सर मैंने s इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे 2 आ गया, नहीं भाई, दोनों में से एक टर्म सर्वाइव करेगा, वो टेक्निक बता रहा हूँ। तो या तो 1 सर्वाइव करेगा या तो ये s अपॉन 0.5 सर्वाइव करेगा, तो जाहिर सी बात है s अपॉन 0.5 को हमने सर्वाइव करा दिया। यहाँ पे अगर आप s इक्वल टू 1 पुट करते, ये भी 1 ये भी 1, तो क्यों ना 1 को ही चूज कर लिया जाए, क्यों ना 1 को ही चूज कर लिया जाए। यहाँ पे अगर आप देखते तो इन दोनों में से सिर्फ 1 सर्वाइव करेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया, यस और नो? बोलो भाई जल्दी बोलो, डन, ओके। चलो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 0.5 kS, एस की जगह पे पुट करते हैं जे ओमेगा, इसके बाद तो फिर भाई पुरानी कहानी, तो ये 0.5 kJ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू उठा के पुट कर दो 1, ठीक है, तो मॉड ऑफ टी ऑफ जे ओमेगा आपको मिल जाएगा 0.5 kω, ओमेगा की जगह पुट कर दो 1, ये बचा 0.5 kω, ये मिल गया। अब इसका 20 log ले लो आप, है ना, इसका 20 log ले लो। अब इसके बाद तो यार, इसके बाद तो एक ऐसी कैलकुलेशन है जो कोई बच्चा भी कर सकता है ना, ये तो आपका 7वीं 8वीं में log वगैरह ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। अब इसका 20 log ले लो, तो ये मिल गया 20 log टू दी बेस 10 0.5 kω, इसकी वैल्यू दे रखी है 32। आप इसको लिख सकते थे 20 log टू दी बेस 10 0.5 प्लस 20 log टू दी बेस 10 के इक्वल टू 32। के की वैल्यू यहाँ से 80 के आसपास आनी चाहिए, 79.62। देखो कितने लोगों का ये आंसर आया, आया? पांच कैसे वैलिड हो जाएगा, एस की जगह पे 1 डालो ना, तो 1/5 और 1, 1/5 और 1 में कौन सा बड़ा है, 1, तो 1 को यहां पे लिख दो। देखो दोनों टर्म्स में से एक टर्म सर्वाइव करना है, सिंपल सी बात है, या तो 1 सर्वाइव करेगा या तो उसका कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। एस को अगर आपने 1 रख दिया तो ये 1/5 हो गया और ये 1 है ना, तो 1/5 और 1 में कौन सर्वाइव करेगा, 1 सर्वाइव करेगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़े, आ रहा मजा इसको सॉल्व करने में, बोलो। चलो एक आज का लास्ट सवाल करते हैं, आखिरी सवाल है आज का ये, ठीक है।
चलो इस क्वेश्चन में बताओ क्या अप्रोच होनी चाहिए, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन आपने देखा मॉड ऑफ टी ऑफ जी ओमेगा डी बी वर्सेज लॉग टू द बेस 10 ओमेगा आपको दे रखा था, आपने पाया कि यार यहाँ पे तो लाइन आपकी सीधी लाइन हो गई। लाइन अगर आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई, पहली लाइन जो भी इनिशियल लाइन है जिसका स्लोप आप बोल रहे हो कि भाई इसका स्लोप 0 dB पर डिकेड है, तो क्या ये वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ के में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी? एवरीवन जल्दी बोलो भाई, क्या ये लाइन के में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी? बिल्कुल यार के में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। छोड़ो आगे देखते हैं, यहाँ से थे आगे बढ़े स्लोप चेंज, स्लोप चेंज यानी कि दो ऐसे पॉइंट्स आ गए जहाँ पे स्लोप चेंज की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी। एक ये वाला पॉइंट था जहाँ पे स्लोप चेंज की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी, एक ये वाला पॉइंट था जहाँ पे स्लोप चेंज की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी। इसका डेल्टा एस जरा कैलकुलेट करके बताओगे कितना आ जाएगा? -40 0, तो ये मिल गया आपको -40। इसका डेल्टा एस कैलकुलेट करके बताओगे, ये आपको मिल जाएगा प्लस का 40 ना। देखो 0 और यहाँ पे -40, यानी कि यहाँ पे जो दो एक्सप्रेशंस आने चाहिए थे वो आपको मिलना चाहिए था डिवाइडेड बाई एस बाई 10 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और ये मिलना चाहिए था एस बाई 100 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। करेक्ट है? बोलो इज इट फाइन? परफेक्ट। चलो इतनी बात सबको क्लियर हुई। अब देखो एक सिंपल सी बात याद रखना, जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए बोर्ड प्लॉट का जिसमें इनिशियल लाइन का स्लोप 0 dB पर डिकेड हो, जिसमें इनिशियल लाइन का स्लोप 0 dB पर डिकेड हो, तो जो ये मैग्नीट्यूड आपको दिखता है ना, यहीं से आप के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे यहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट करोगे? ये जो 60 दिख रहा है ना, इसी 60 को इमीडिएटली किसके बराबर पुट कर दो? 20 log k के बराबर। ठीक है, तो जब भी आपकी इनिशियल लाइन का स्लोप 0 dB पर डिकेड हो, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा, वहीं क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वहां पे बस आपको 60 को 20 log k के बराबर रख देना। यहां कोई अप्रॉक्सीमेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, कोई अप्रॉक्सीमेशन मत लगाओ, कुछ मत करो। ये जो हाइट दिख रही है इसको 20 log k के बराबर रख दो, तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 1000। तो यहां पे 1000 पुट कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या ये तीन मॉडल के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए? कल की पूरी क्लास में बोर्ड के सवाल सवाल ही लगाएं, कल या परसों, सॉरी मंडे को क्लास है, तो मंडे वाली क्लास में पूरी क्लास में बोर्ड के क्वेश्चन लगाएंगे, कम से कम 30 क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नाइक्विस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। बताइए, ठीक है? अच्छा, 11 बजे एक मेरा और चंदन सर का सेशन है, उसमें हम लोग आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं 2023 में। डेट जो लोग दे रहे हैं उनको किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक जरूर 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 से पढ़ के जाने चाहिए, वो भाई 11 बजे सेशन है, उस सेशन में लाइव आ जाना। उस सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले, बहुत मेहनत की आज हम लोगों ने, पूरा दिन उसी में निकल गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैटेगराइज करने में। तो दैट सेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। 11 बजे मैं और चंदन सर आपको लाइव मिलने वाले दूसरे स्टूडियो में, तो उस सेशन को आके आप लोग अटेंड करिए। अच्छा, कैसा लगा आपको ये सेशन? ये तो मैंने पूछा ही नहीं, बताओ कैसा लगा सेशन ये? कल क्लास नहीं, कल एक्चुअली बहुत सारे काम है जो कल कंप्लीट करने हैं आप लोगों से ही रिलेटेड है ना। कल हालांकि मेरे 2-3 सेशन से यूट्यूब पे आपको देखने को मिलूंगा मैं, बट टेक्निकल वाली क्लास कल नहीं है। एक्सिस लॉग ओमेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, शायद आपने लेट ज्वाइन किया। ठीक है, आपका नाम ही ऐसा है जिसमें कि 5 सेकेंड से ज़्यादा शायद आप कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पा रहे होगे, तो पहले तो आप अपने प्रोफाइल का नाम चेंज करो। देखो नाम का बहुत इफेक्ट पड़ता है, पुराने ज़माने में माता पिता जो नाम रख देते थे उसी हिसाब से बच्चे के अंदर गुण आ जाते थे, आज के ज़माने में जिस आईडी के नाम से आप यूट्यूब पर अपनी आईडी बनाते हो ना, वो गुण आपके अंदर आ जाता है। जैसे इन्होंने अपनी आईडी का नाम बनाया टिकटॉक, तो ये 5 सेकंड से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकते, इस वजह से शायद बोर्ड प्लॉट का स्टार्टिंग इन्होंने पढ़ा ही नहीं, जहाँ पे मैंने बताया कि भाई एक्सिस लॉग ओमेगा होती है बट वैल्यूज ओमेगा की दे रखी होती है। अब जैसे विटामिन प्रोटीन है 100%, वो बड़े हेल्दी इंसान होंगे, आप चाहे जाके देखना, बड़ा हेल्दी खाते पीते होंगे, तो जो आप जिस आईडी से अपना नाम रखते हो ना, वही गुण आपके अंदर धीरे धीरे आ जाता है। तो भाई सोच समझ के नाम रखो, थोड़ा ऐसा नाम रखो जिससे आपके अंदर थोड़े रजोगुण आ जाए, तमोगुण आपके अंदर ना आ जाए। ठीक है, अभी ये देखो ये अलग परेशान है, एक केमिस्ट्री का गेट कब आ जाएगा, केमिस्ट्री का गेट कब आ जाएगा भाई, अभी इसी इलेक्ट्रिकल का जो चल रहा है, अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ केमिस्ट्री का गेट कब आ जाएगा? जब आ जाएगा तब तुम क्लास करने नहीं आओगे। तो एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ कि चाहिए सब कुछ, करना कुछ नहीं, टीचर को अटका दो कि सर ये क्रैश कोर्स लेके आ जाओ, हम लोग पक्का अटेंड करेंगे, वो बेचारा ले के पूरा प्लान लैन करके आया था, आप गायब हो जाते हो। ये अलग आप लोगों के ड्रामे चल रहे हैं। अब इतनी मेहनत से आप सोचो, 32 टीचर्स हैं सारे ब्रांचेस को मिला के, सब लोग दिन रात लगे हुए हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आज की डेट में बच्चा तो मेहनत कर ही रहा है, सारी मेहनत टीचर ही कर दे रहा। भाई तुम लोग भी कुछ मेहनत करो यार, पढ़ो लिखो, हम लोग की तो नौकरी लग चुकी है, लग के छोड़ चुके हैं, कुछ और कर चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, मगर
मेन काम तो आप लोगों का है ना, इतने रिसोर्सेज, इतने सब कुछ होने के बाद भी एग्जाम नहीं निकाल पाते हो यार, ये मतलब थोड़ा सा बात है कि जहां पे दिल पे लगनी चाहिए कि यार सब कुछ होने के बाद भी क्यों नहीं निकला, समझे? ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करो, ठीक है? और कुछ लोग अलग ही बैठे हुए हैं, उनका काम ही यही 2 घंटे सेशन में बैठे रहना, प्लस माइनस की मिस्टेक्स निकालना, उस पर PhD करना, और उस पर एक सेशन भाई पूरा सेशन ले लो, तुम ही पढ़ा दो, ठीक है? थोड़ा हम लोग को भी आराम मिल जाए, वो करोगे नहीं, खाली बस हर चीज में गलती निकालनी है, बस मेहनत कुछ नहीं करनी। चलो तो बताओ कैसा लगा सेशन आप सभी लोगों को, #मजा मजा यार सेशन के एंड में चला दिया करो बिना कहे, तो थोड़ा दिल खुश हो जाएगा, थोड़ी मेहनत जितनी हम लोग करते हैं उसका थोड़ा लगेगा कि हाँ यार रिटर्न बैक आ रहा है, जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, समझने से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि चलो मज़ा आ रहा है सर, ये सब क्वेश्चन लगाना सीख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं टेक्निकल लेक्चर्स को, आज से पहले कभी इतना इंजॉय नहीं किया था टेक्निकल लेक्चर को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, 11 बजे मिलते हैं एनर्जी किंग आपके CJ बाबा चंदन झा सर के साथ, और एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही वैल्यू एडिट सेशन के बारे में चर्चा करते हैं वहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।